की जो पूरी हमारी क्लासेस 16 जो हो जाएंगी इंशाल्लाह, अब तक जो हमने पढ़ाई आज शायद कौन सी क्लास है, 14 क्लास तक हमने ये पढ़ लिया। अगर कुछ और याद आ रहा हो, देखें ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ दोबारा, ये वो खुलासा है जो अब तक हमने किया है। अब सारे सिलसिले हैं वो यहाँ तक हमारे आकर रुके हैं। हमने पढ़ लिया अय्यामुल सुबूह, मतलब सब्त इलल जुमा, ओके हो गया। हमने पढ़ लिया शुहूर असना, यनायर फरवरी मार्च दिसंबर। हमने पढ़ लिया फसूल असना, अशिता असैफ अरबी अलखरीफ, चार मौसम होते हैं फसूल असना, साल के मौसम जो है ये भी हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया आदाद मिन वाहिद इला मिया, एक से लेके 100 तक के नंबर्स पढ़ लिए, ठीक है। हमने पढ़ लिया अस्सा टाइम, ठीक हो। हमने पढ़ लिया अल मुस्तलाहात, मुस्तलाहात जो टर्म्स हमने जो आपके पास हैं 250 के करीब जितने भी हैं, वो सारे टर्म्स पढ़ लिए हमने। उसमें कौन कौन से पढ़े हमने, अल मुस्तलाहात में से अल मुहासिबिया वल मालिया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अल मेहनिया, और दूसरे कौन से पढ़े हमने। अल मेहनिया के मकसद क्या है, यानी प्रोफेशन प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो टर्म्स है वो भी हमने पढ़ लिए, ये तो थे मुस्तलाहात। और हमने अल किताब अल अव्वल कंप्लीट की हमने, बुक नंबर 1, वल किताब उस्तानी के हम तकरीबन 5 या 6 सबक के कर लेंगे जहाँ तक दिए। हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा, हमने मुरक्कब इशारी जारी इजाफी तौसीफी, ये चार मुरक्कब पढ़ लिए। इशारी की जैसे कि हादल किताब, ये तो हो गया मुरक्कब इशारी, गालिकल किताब, ठीक है। मुरक्कब जारी जैसे कि आलल बैत फिल बैत आलल मकतब, ये कौन सी किसकी मिसाल हो गई मुरक्कब जारी की। और मुरक्कब इजाफी की मिसाल जैसे कि मुफ्ताहु सैयारा, जैसे कि किताबु खालिदिन, ये मुरक्कब। और हमने मुरक्कब तौसीफी यानी एडजेक्टिव वाला जो है वो भी पढ़ लिया हमने, जैसे कि किताबुन जदीदुन अलकलमुल जदीदु, ठीक है, अत्तालिबु अलमुश्तहिदु, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने जुमले बनाए, सियागतुल जुमल, हमने सेंटेंसेस बनाए, और वो सेंटेंसेस दो टाइप के बनाए हमने, नॉमिनल एंड वर्बल, यानी इस्मिया और फ़ेलिया। इस्मिया वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुब्तदा और खबर होता है, जैसे कि अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है, ठीक है, अलकमीसु नजीफुन, ये इसमें कहीं एक्शन नहीं है, ये कौन से जुमले हैं, जुमल इस्मिया। और हमने फेल जुमलिया फेलिया भी पढ़ लिया, फेलिया उसे कहते हैं जिसके अंदर फेल यूज हुआ हो, वर्ब यूज हुआ है, या तो वो पास्ट हुआ है या प्रेजेंट हुआ है, जैसे हमने उस सेंटेंस से कराए थे, तो वो फेल जुमला अल जुमल में हमने इस्मिया भी पढ़ ली है, फेलिया भी पढ़ ली। और इसके अलावा हमने अलमुफरदात अलजदीदा, नए अल्फाज अरबी के अंदर वोकेबलरी जो है वो भी हमारे पास काफी हो गई, ठीक है, मुफरदात से मतलब क्या है यानी वोकेबलरी, और तमारीन, और हमने इस किताब की सारी एक्सरसाइज भी कर दी, ठीक है। एकदम से सारी बातें जहन में आई हैं, जो निचोड़ मैंने कर दिया है सारा, वो अभी आपके सामने किया, अब आपको भी बात याद आ रही होगी, और ये रह गई है, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि खेल खेल में हम क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने अब्दमायर भी कर लिए, प्रोनाउन कर लिए। प्रोनाउन कौन कौन से कर लिए हमने, मरफुआ, मरफुआ कौन से हैं, हुआ हुम अंता अंतुम अंती अंतुमा अना नहनु, इनको कहते हैं मरफुआ, सेपरेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं। और हमने प्रोनाउन जो है मिल्किया भी कर लिए हैं, यानी पोजेसिव प्रोनाउन भी कर लिए, जैसे कि हु हा का कुम की कुमा कुन्ना, जो अटैच होते हैं अटैच प्रोनाउन, वो भी हमने कर लिए, ठीक है, मरफुआ भी कर लिए और मिल्किया भी कर लिए। और हमने अस्माए मौसूल भी कर लिए, यानी अल्लजी और अल्लती,
और इनकी जमा भी अल्लजी और अल्लाह की अस्माए मौसूल वो भी कर दिया, और हमने अस्माए इशारा हाजा हादी हाउलाई दालिका तिलका उलाई का ये भी कर दिए थे, और हमने अल अफआल फेलों के अंदर में क्या किया, फेले माजी भी कर लिया हमने, फेले मुजारे भी कर लिया हमने, और फिर जुमले हमने जो दोनों टाइप के थे, जुमला इस्मिया जो कि मुबतदा खबर से मिलकर बनता है, जैसे अल माउ बारिदुन अल खमीस व नजीफ अल, ठीक है जी, इस टाइप की चीजें भी हमने ये भी कर दी थी। और फिर जमा अल मुफरदात बुक नंबर 2 के अंदर हमने बहुत से नाउन्स की जमा भी पढ़ ली, किताब की जमा कुतुब, कलम की जमा कलाम, सारी ये जमा भी कर ली हमने। और इसके अलावा हमने अल मुसन्ना यानी तस्निया, किताब उसका तस्निया क्या है, किताबान 2 बुक्स, कलम कलमान, बाब दरवाजा और बाबान 2 डोर्स, तो ये अल मुसन्ना जो है तस्निया जो है ये भी हमने कर दिया। और हमने जमा मुजक्कर सालिम और जमा तकसीर भी कर ली। जमा मुजक्कर सालिम क्या है, जैसे कि अल मुश्तहिद से अल मुश्तहिदून, मुस्लिम की जमा सालिम क्या है, मुस्लिमून, और जमा तकसीर उसे कहते हैं जो कि जिसके बनाने का कोई तरीका नहीं होता, जैसे कि किताब की जमा कुतुब, कलम की जमा कलाम, ये जमा तकसीर। तो जमा तकसीर भी कर ली, जमा सालिम भी कर लिया, जमा मुजक्कर सालिम भी कर लिया, जमा मोहन्नस सालिम भी कर लिया। जमा मोहन्नस सालिम जैसे कि मोमिना से मोमिनात, मुस्लिमा से मुस्लिमात, ये सारी चीजें इस 14 हफ्तों के अंदर, ये वो टोटल सारा मामला है जो हम कर चुके। अब आप इसमें बताएं कोई और चीज ऐसी है जो मैं भूल रहा हूं और हमने की हो। क्या या मैंने सबको कवर कर लिया? ठीक है, ये वो है जो हमने 15 दिन इसके अंदर 14 क्लासेस के अंदर ये काम किया। लिस्ट बनी हुई पेज है ना, तो पेज पेज है के ऊपर बाप, है ना, वही तो है, बस अलग आप बाबू ना वो सब नहीं है, ताजिर पूजा और वो सब सब है, इसमें सब लाना होगा, तो नहीं नहीं सब है। मतलब 25 नंबर पेज इसमें हाँ, ज्यादातर 18 और 20 वो है, मैं भी बता दूँ और भी पेज। वुमेन है वो नहीं है, तो बड़ा बाबू ठीक है, ये आपके पास इसकी फोटो कॉपी वो कर लें, इसके चाहे तो आप इसकी फोटो निकाल, मतलब लिखने के बजाय आपको पता चल जाएगा हमने किसकी ये चीजें हैं हमारी। ग्रुप जी आपका पे कर शेयर कर दिया, कर दिया, सही है, सही। पच्चीस अच्छा जी, मैं बताता हूँ, बताता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ जी। एक तो पेज नंबर कौन सा है, 16, 16 नंबर, पेज नंबर 16 पे भी है नहीं, और आप आए इसके पेज नंबर 16 के अलावा भी तो होंगे ना। तो आगे तो पेज नंबर 16 और 17, पेज बताओ नंबर 16 पे भी है और 17 पे भी है, ये तो है। और मैं बता देता हूँ, ये पेज नंबर 20 के ऊपर जो हमने एक्सरसाइज की थी, पेज नंबर 20 पे हमने जो जमाएं बनाई थी वो भी तो मौजूद है पेज नंबर 20 पे। ये देखिए, कबीर की क्या जमा है, मुस्लिम की क्या जमा है, ये जो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर देखें, आपने जमा बनाई होंगी ना, वहीं से आ रहे और वहीं से अगर आ रही है तो तकरीबन ठीक है, कोई बात नहीं, तो अगर वहां से आ रही है चलें जी। फिर ठीक है आ जाएं पेज नंबर 22 पर देखें, पेज नंबर 22 पे भी कुछ जमा आपको मिल रही है, किताब की जमा कुतुब, जबल की जमा जिबाल, ताजिर की जमा तुजार, तो कलम की जमा अकलाम, जमील की जमा जुमला, ये मिल रही है ना, इनको भी आप कर दें, या इसको वो कर दें सर्किल में कर लें और लिख दें कि जिसमें जमा के जमा आ रही है, या फिर जमा मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको जमा मिल रही है, फिर तो 25 के ऊपर, 25 पे जी, फिर जमा आपको मिल रही है, फिर आ जाएंगे 26 पर, 26 पर फिर आपको जमा मिल रही है, 26 और 27 पर, 26 पर आपको जब जमा मिल रही है बराबर में, अखवात, फतेयात, जुदुद, किबार, सिगार, तिवाल, ये जमा मिली, यहाँ पे भी आप उसको कर दें सर्किल में, ये जमा मिल गई। फिर पेज नंबर 28 के ऊपर वो फिर आपसे जमा मांग रहे हैं, पेज नंबर 28 के ऊपर नीचे देखें,
जमा आपसे मांगे, आपने लिख ली होगी, या जमा पेज नंबर 28 पर जो ये है सात जमा, इनकी जमा लेकर आइए। अगर ये वही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी देख लें, आपके पास आ रही है। और इसके बाद पेज नंबर 30 पर भी थोड़ी बहुत जमा इधर दी हुई है, बिन की जमा बनात और उख की जमा खवात और फतात की जमा फतायात, यहाँ भी दी हुई है उन्होंने। और जी वाली भाई आप जमा कर लीजिएगा सारी, उनके सारे जमा ग्रुप कर लीजिएगा, ग्रुप ठीक पे भेज दीजिए। है। अच्छा फिर आप देखें पेज नंबर 34 पर भी आपको जमा दे रहे हैं, वो ज़ईफ की जमा ज़ियाफ, उम की जमा उम्महात, अब की जमा आबा, ज़ईफ़ की जमा ज़ियाफ, कवि की जमा अख़विया और आलिम की जमा उलमा, पेज नंबर 34 पे भी जमा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जमा है आपके पास, ये नहीं कह रहे हैं। तो आप 15 शॉर्टलिस्ट करके सबको दे देंगे, जैसे पहले आपने 50 किए ना। अजी भाई ने 50 कर लिए ना? नहीं वो कह रहे हैं फर्द, नहीं उन्होंने कहा फर्दर शॉर्टलिस्ट। 16-17 पेज में से ही आएगा। चलिए अली भाई कुछ कह अच्छा रहे हैं। जी एक निकाले आप, और जमा आपको मिल रही है बहुत ज्यादा, पेज नंबर 50 50 आ जाएगा ना, अभी अभी आ जाएंगे कोर्स में, ऐसे देर कौन सी लगेगी कोर्स में। नहीं नहीं अभी आ जाएगा, पेज नंबर 50 पे देख आप, उसमें कर तो देने पेज नंबर 50 को, पेज नंबर 50 को तो आप कर रहे हैं, वो जो आपको चीजें हैं उसकी जमा तुम देख लें, ये सब जमा आ रही है ना आपके पास। जी नहर अनहार जबल जबान नहर दरिया जी। अच्छा जी होटल होटल, फंदुक अच्छा जी हम कौन से पेज पर रुके थे हम बता रहे हैं, 39 से शुरू करना है। 39 पर रुके थे जी, 39 पर आप आ जाए। अच्छा इससे पहले हम एक काम और कर लें, ये जो सामने ये देखिए फेले मुजारे में तो जमा नहीं आएगी, यानी जमा नहीं आएगा, चार चार ही फेल आएंगे, एक तो यफालू, एक तफालू, थर्ड पर्सन का यफालू, ठीक है, और थर्ड पर्सन का फीमेल का तफालू, दो हो गए, और तफालू सेकंड पर्सन का और तफालीना सेकंड पर्सन का फीमेल, चार हो गए, और अफालू फर्स्ट पर्सन का और नफालू, कितने हो गए, छह हो गए। ये तो मुजारे के तो सब छह आए, लेकिन माजी के, माजी के हमारे पास कौन कौन से थे, ये कितने हो गए माजी के, कितने, एक दो तीन चार पाँच छह, छह तो थे, ठीक है ना, छह में सिर्फ चार का इजाफा हो रहा है, फालू फाल की जमा फालू, फाल की जमा फालना और फालता की जमा फालतुम और फालती की जमा फालतुम ना, एक दो तीन चार, तो छह चार दस, ये 10 फ्रेम तो हो गए पास्ट के, और प्रेजेंट के जो हैं वो सिर्फ किसके हैं, सिंगुलर के छह, उसमें सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन वाला जो है वो जमा का आ गया, फर्स्ट पर्सन का उसमें भी जमा का आ गया, लेकिन इसके अंदर ये सेकंड पर्सन की जमा आपने नहीं थे आपके पास, ये सेकंड पर्सन की जमा है, एक दो तीन और चार, देखिए फाला फालू वैसे पढ़ चुके हैं सबक के अंदर, और फालक का क्या हो जाएगा फालना, इस फालना में और इस फालना में फर्क करें, पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है फालना, ये भी फालना, लेकिन ये फाल ना है, ये फाल ना, ठीक है, ये हम का है फालना, हुन्ना वाला, हुन्ना के माने दे, यानी ये फीमेल का हो गया, ये दे जो है ये मेल का हो गया, और ये यू ऑल मेल का हो गया, और ये यू ऑल फीमेल का, ठीक है, बस ये हमने जी और थ्री प्लस वाले हैं ना, जी वाले को नहीं है, जी और थ्री प्लस वाले हैं, जी टू वाले, टू वाले नहीं, टू वाले बिल्कुल नहीं है, टू वाले नहीं दे रहे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ये नहीं है, वो नहीं दे रहे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जमा वाले नहीं है इम्तिहान में शामिल, नहीं है कोर्स में शामिल, नहीं है जी, बस सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलर वाले, वो छह है सिर्फ, ये 10 है आपके पास पहले से, यहाँ नहीं लिखी,
मैं लिख दूंगा दोबारा, लेकिन वो तो लिखे हुए हैं आपके पास, वो चार्ट में से निकाल लीजिएगा ना, वो जो चार्ट आपके पास आया है ना उस चार्ट में फिर स्टार बना दीजिएगा, चार्ट पे स्टार बनाना होगा, पैसे उस पर तो आपके स्टार तो बने हुए ना, पास्ट के और प्रेजेंट पे तो बने हुए, जो चार्ट आपके पास है चार्ट को दोबारा फिर डाल दें आप, कोई मसला नहीं है, चार्ट को एक दफा फिर डाल दें आप, ताकि वो चार्ट एक दफा फिर आ जाए। जी भाई पिछली क्लास में कहाँ थे आप? नहीं तो आप ये क्या, पिछली क्लास में तो आप नहीं थे और हम भी नहीं थे, कोई नहीं था, उससे पिछली क्लास आराम कर रहे थे, 2 हफ्ते आराम कर लिया आपने, जब जाके कल जाके वोट डाला था। चलो सही, तो ये देख लें यहाँ पर, ये अब इसका तर्जमा भी देख लें, ये इसका हुम फालू के माने क्या है, दे डिड, ठीक है, और हुन्ना फालना के माने भी दे डिड, लेकिन हुम फालू मेल के लिए हो गया और हुन्ना फालना दे डिड जो है वो फीमेल के लिए, ब्रैकेट पर एफ डाल दें, अब आ गया सेकंड पर्सन में आ जाए, मोर देन टू, दो के लिए हम कर ही नहीं रहे, कर नहीं रहे, ठीक है जी, इसको हमने छोड़ दिया है, उनके लिए भी अलग है लेकिन हम वो नहीं कर रहे, अगली क्लास के लिए छोड़ दें उसको, ठीक है। इसके बाद आ जाए सेकंड पर्सन में आ जाए, सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं अरबी में, मुखातब, मैंने आपके लिए लिखा होगा, देखिए थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब, सेकंड पर्सन को कहते हैं मुखातब और फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम। सेकंड पर्सन में जो है उसकी जमा के क्या है, अंतुम फालतुम यानी यू ऑल डिड, और अंतुन ये तो मेल का हो गया, और अंतुन्ना अंतुन्ना फालतुन्ना यू ऑल डिड, लेकिन ये हो गया फीमेल का, ठीक है जी, और बस यही थे, बाकी तो कर लिए थे हम। फालू फालना और फालतुम और फालतुन्ना, ये चार ये बड़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एक की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं देखिए ये अंत, ये देखिए ये वाला जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना उसकी देखिए एक की प्रैक्टिस देख लें, नंबर पेज नंबर 39 यहीं से हमने करना था ना, उसकी अभी आ रही है। अंता धहप्ता इलल मदरसा, आप अंता धहप्ता यू वैन टू द स्कूल, ठीक है। अब देखिए इसकी जमा देखें, अंतुम धहप्तुम इलल मदरसा यू ऑल वैन टू द स्कूल, तो अंतुम आ गया, अंतुम धहप्तुम इलल मदरसा यू ऑल वैन टू द स्कूल, ये इन्होंने एक करके दिखा दिया, वो कहते हैं अब अगला वाला जो है वो आप खुद करें जी, करें। अंता खरजता मिनल फसल जी, अंतुम खरजतुम मिनल फसल, ये तर्जुमा भी करते हैं, अंता खरजता मिनल फसल, आप लोग क्लास आप लोग नहीं, आप लोग नहीं हो गए, आप क्लास से निकले, आप क्लास से निकले जी, और आप सब जी, आप सब क्लास से निकले जी, अंतुम खरजतुम मिनल फसल, आप सब क्लास से निकले, ठीक हो गया जी। अब यहाँ अब ये देखें, ये दूसरा करें, अंता जी आप जी, अगला वाला अंता, अंता जलस्ता फिल फसल जी, यू आर सिटिंग इन नहीं यू नहीं पास्ट है, पास्ट है, यू सेट इन द क्लास, ठीक है, फिर होगा अंतुम जलस्तुम फिल फसल यू ऑल सेट, ठीक हो गया, ये जमा में आ गया, ये उसी देखें फालतुम के पैटर्न पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जलस्तुम फालतुम वही आ गया जो मैंने फ्रेम दिया आपको। इसके बाद अगला वाला जी, Where did you go, my brothers? देखिए या है, या भी तो लगा ना, ओ माई ब्रदर्स, वेयर डिड यू ऑल गो, ओ माई ब्रदर्स जी, अगला जी, कैसे पता चल रहा है माय, मतलब या तो ओ होता है ना, तो मेरा भाई या लगी हुई ना, इख्वानी अखी के अंदर मेरा भाई, और इख्वान के माने भाई होता है ना, बहुत सारे भाई इख्वान है ना, अखी जमा क्या इख्वान है ना, तो या कैसे लगी, ये कह रहे भाई ब्रदर जब ही होगा अखीर होगा ना, अख के साथ ये लगेगा, अख के माने ब्रदर और अखी के माने माई ब्रदर, ठीक है। नंबर आखिरी लिमादा जी, अगला जी, जी
लिमादा ये क्वेश्चन टू लेस के माने क्या है, व्हाई जी या औलाद जी, व्हाई डिड यू गेट आउट फ्रॉम वहाँ, व्हाई डिड यू लीव द क्लास ओ ओ ओ बॉय जी, अब क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू ऑल लेफ्ट द क्लास ओ बॉयज जी, आप क्लास से क्यों निकले, क्यों निकले ए लड़के, और आप सब क्लास से क्यों निकले ए लड़कों, ठीक है जी। ये तो था, इन्होंने एक प्रैक्टिस भी करा दी, क्या कराई इसके अंदर के जो हमने मुफरत पढ़ा था ना फेले माजी, अब वो जमा में कैसे जाएगा। अच्छा ये जो कराई इन्होंने किसी कराई, मेल की कराई, फीमेल की नहीं आई ये, ठीक है जी, सिर्फ फीमेल, फीमेल की आपके सामने उसका भी फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, वो क्या फ्रेम होगा, फालतुन्ना हो जाएगा वो, बस सही है ना, और अंतुन्ना हो जाएगा और फालतुन्ना हो जाएगा, ये होगा। मिसाल के तौर पर इसी को रख लें सामने, इसी को रख लें, इसको दोबारा कर लें, ये जो है ना जहाप्ता नहीं है, इसको करते जाएं अंति जहाप्ती और फिर बनाते जाएं, फिर क्या होगा, अगर ये होता अंति जहाप्ती लल मदरसा तो ये हो गया आप स्कूल गई, ठीक है, अब क्या इसकी जमा क्या हो जाएगी जी, बनाते जाए अंतुन्ना जहाप्तुन्ना जहाप्तुन्ना, ये अंतुम जहाप्तुम का अंतुन्ना जहाप्तुन्ना कर दें, अंतुन्ना जहाप्तुन्ना इलल मदरसा थी, इसी पैटर्न पे जी इसको दोबारा मोनस के साथ भी कर लें जी, आगे करें अंति खरशती, अंति खरशती मिनल फसल जी जी मिनल फसल जी, अंतुन्ना खरशतुन्ना मिनल फसल, ठीक है जी, आगे चलें, तर्जुमा वही होगा जो चल रहा था, बस ये फीमेल का हो जाएगा जी, जी अंति जलस्ती फिल फसल, आप क्लास में बैठी जी, आप सब क्लास में बैठी अंतुन्ना जलस्तुन्ना फिल फसल, ठीक है जी, आगे जी, या उख्ती, हाँ अखी बदल जाएगा, हाँ आईना जहबती या उख्ती जी, या अखवाती अखवाती अखवा अलिफ खे वाओ अलिफ ते ये, या वहां पे ते ये हो जाएगा, या पे नून ये था वहां पे ते ये हो जाएगा, अखवाती, और ये इखवानी था वहां अलिफ के ऊपर जबर आ जाएगा अखवाती जी, अगला वाला जी बिंद, गलत को करके बिंद कर दें, लिमादा खरशती मिनल फसल या बिंद, ठीक है जी, लिमादा खरशतुन्ना या बनात, ठीक है, लिमादा खरशतुन्ना मिनल फसल या बनात, तो ये सेकंड पर्सन का होगा, ठीक है जी, ये तो सेकंड पर्सन की जमा और मुफरत मुजक्कर वाला भी हो गया, मुन्नस वाला भी हो गया जी, अब इसी को थर्ड पर्सन में ले जाएं, इसी को, इसी एक्सरसाइज को, अब ये अंता को जो है ना चेंज कर दे हुआ से, तो अब मैं बना रहा हूँ हुआ ज़ा, पहला वाला मैं बना रहा हूँ, देखें हुआ ज़हबा इलल मदरसा, ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है, अब आपने कहना दे वेंट टू द स्कूल जी, तो ये हो गया हुम ज़हबू, देखें हुम ज़हबू इलल मदरसा, दे वेंट टू द स्कूल, ठीक है, अब आपने अगला वाला करना है जी, नहीं हुआ खराजा, हाँ हुआ पहले, हुआ पहले सिंगुलर का बनाया ना जी, नहीं खरजता कैसे होगा, खराजा हुआ खराजा मिनल फसल जी, आगे जमा करें इसकी खराजू, हाँ हम खराजू मिनल फसल जी, अगला अंता ये इसको हुआ से बदल दें, हुआ जलसा, ये रूट वर्ड आ जाएगा, देखिए हुआ के साथ रूट वर्ड आ जाएगा, हुआ जलसा फिल फसल, ही सेट इन द क्लासरूम जी, दे सेट इन द क्लासरूम जी, जलसू जी, जीम लाम सीन वाव वाक बाद, हम जलसू फिल फसल, ठीक है जी, आगे आईना जहाबा या आखी जी, आईना जहाबा या आखी नहीं आएगा, बस याखी तो आएगा ही नहीं, याखी के लिए तो जरूरी है कि वो सामने बैठा हुआ, वो सेकंड पर्सन बन जाएगा, आईना जहाबा याखी नहीं, आईना जहाबा
खालिद, कोई और नाम डाल दें, अइना ज़हबा खालिद जी, अइना ज़हबा अलवलद, ये कर दें, लड़का कहाँ गया जी, अइना ज़हबा अलवलद जी, ये बोला मेरा भाई गया है जी, ज़हबा अखी, ज़हबा अखी जी, और ये जैसे चाहें आप कर लें इसको, अइना ज़हबा के अंदर आप यूं कह दें, अइना ज़हबा अखू का, आपका भाई कहाँ गया है? जी यू कर लें, अइना ज़हबू जी, नहीं अब अख की जमा लेकर आ जाए ना, अब आपने यही किया ना, अइना ज़हबा अखू का, आपका भाई कहाँ गया है, अब आप कहें आप आपके भाई कहाँ गए हैं जी, अइना ज़हबू इख्वा इख्वानुका जी, इख्वानु आपके भाई, जिसका भाई भाई है वो तो एक ही है ना जिसे आप पूछ रहे हैं, अइना ज़हबू इख्वानुकुम जी, इख्वानुका या इख्वानुकुम, इख्वानुका आप सबके भाई कहाँ गए जी, जी उसके बाद क्या है, लिमादा खराजा मिन अल-फसल, बस यहां तक, लिमादा खराजा मिन अल-फसल यानी वो क्लास से क्यों निकला, खराजा के अंदर के अगर आप माने करेंगे तो वो निकला है ना, तो लिमादा खराजा मिन अल-फसल वो क्लास से क्यों निकला, अब इसको ले जाएं, वो क्लास से क्यों निकले, लिमादा खराजू मिन अल-फसल, वो सब क्लास से क्यों निकले, ये हो गया तर्जुमा, वो क्लास से क्यों निकला, लिमादा खराजा मिन अल-फसल, वो सब क्लास से क्यों निकले, लिमादा खराजू मिन अल-फसल, अब इसको मोनस में कर दे, अब इसको हिया से चेंज कर दे जी, मैं पहला वाला कर रहा हूं, देखिए जी, हिया ज़हबत इलल मदरसा, हिया ज़हबत इलल मदरसा, और देखिए अगला जमा में ले जा रहा हूं, हुन्ना ज़हबना इलल मदरसा, दे वेंट टू द स्कूल, ठीक है जी, आ गया अगला वाला करें जी, नहीं हिया खरजत, खरजत है ना फालत, हिया का फ्रेम क्या है, फालत, हिया खरजत मिन अल फसल जी, मिन अल फसल, हुन्ना खरजना मिन अल फसल, ये सामने रखेंगे तो आपको सब समझ आएगा जी, आगे जलसत, आपने फालत फ्रेम है इसका, फालत हिया जलसत फिल फसल, शी सेट इन द क्लास, हुन्ना जलसना फिल फसल, ठीक है जी, अइना, अब इसके साथ कुछ ना लगा, अइना जी, अइना ज़हबत के माने क्या है, वो कहाँ गई, बस वो आ गया ना इसके अंदर, खुद ही प्रोनाउन मौजूद है, वो कहाँ गई, अइना ज़हबना, वो सब कहाँ गई, अइना ज़हबत आयशा, नाम लगा, अइना ज़हबत आयशा, ठीक है, अइना ज़हबत आयशा कहते, ठीक है, और फिर वहां क्या कहेंगे, अइना ज़हब, अइना ज़हबना आयशा व चार पांच नाम लगाते हैं, आयशा व फातिमा व जी, कैसे मोर देन टू करना, जी मोर देन टू करना पड़ेगा जी, अगला, लिमाज़ा खरजत मिन अल फसल, लिमाज़ा खरजत मिन अल फसल, लिमाज़ा खरजना मिन अल फसल, लिमाज़ा खरजना मिन अल फसल, लिमाज़ा खरजत वो क्लास से क्यों निकली, वो देखिए, लिमाज़ा खरजत मिन अल फसल वो क्लास से क्यों निकली, और लिमाज़ा खरजना मिन अल फसल वो सब क्लास से क्यों निकली, तो ये पूरा जो आपका फ्रेम है ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है जी, सही, आगे जी, नए अल्फाज जो आपने सबक में पढ़े वो थे अल हफीद, हफीद किसे कहते हैं, देखिए वो बता रहे, इब्नुल इब्न औ इब्नुल बिंत, यानी बेटे का बेटा या बेटी का बेटा, जो इंग्लिश के अंदर है ग्रैंडसन, जो इंग्लिश के अंदर वही सेम है ना, लेकिन मैंने आपको जी, तो मैंने आपको अलग भी बताया था, मैंने बताया था कि सिफ्त कहते हैं, एक और लफ्ज है, आप ऐसा ना करें इसको, थोड़ा सा इसको इब्नुल इब्न बसी कर दें, और इब्नुल बिंद जो है उसको आप करते हैं सिफ्त, ठीक है, सीन बे तोए, सिफ्त के माने हो गए नवासा, और हफीद के माने हो गए पोता, उर्दू में ये है, ठीक है, उर्दू में तो फर्क है ना, उर्दू में हफीद होगा पोता,
और शिफ्ट हो गया नवासा, और इसकी मुन्नस क्या हो जाएगी? हफीदा, हफीदा के माने पोती, राउंड ते लगा जाएगी तो हफीदा हो जाएगी, और सिप्ता के साथ राउंड ते लगा दें तो हफदा, ये तो जमा है। अच्छा, ये हफीद की जमा है, यानी हफदा के माने पोते, ठीक है। पोतियां होंगी तो क्या होगा? पोतियां होंगी तो हफदा, जी यूं जाएगा कुल्लिया। और ये और भी जमा आती है, हफदा एक जमा है, एक अहफाद भी जमा है। लेकिन जमा में जैसे कि तुलाब भी जमा है और तलाबा भी जमा है, जमा कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, कई हो सकती है एक किसी लफ्ज की। तो जैसे कि तुलाब, ये भी जमा है, और तलाबा, तालिब की जमा तलाबा, जो हमने सुनते हैं, तुलबा कहते हैं हम लोग ज्यादातर उसको, तुलबा 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 नहीं है लग, तलाबा, तो लाम बे, तो तलाबा जो है वो भी तालिब की जमा है। कुल्लिया, कुल्लिया अभी ये लफ्ज पढ़ा, कुल्लिया, और उसकी जमा कुल्लियात, कॉलेज, और जमा कुल्लियात, कुल्लियात तिब मेडिकल कॉलेज, कुल्लियात शरिया इस्लामिक लॉ कॉलेज। अगर खाली लॉ कॉलेज होगा तो उसे क्या कहेंगे? कुल्लियतुल हुकूक, हुकूक लॉ कॉलेज, ठीक है। और ये है कुल्लियतुल शरिया, तो शरीयत जो है इस्लामिक शरीयत को कहेंगे ना, तो इस्लामिक लॉ कॉलेज। शरीयत क्या चीज है? इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। शरीयत में क्या लिखा हुआ है, शरीयत क्या कहती है इसके बारे में, यानी इस्लामिक लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो कुल्लियतुल शरिया इस्लामिक लॉ कॉलेज, और कुल्लियतुल हंदसा ये हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज, और कुल्लियतुल तिजारा कॉमर्स कॉलेज, और अद्दस्तूर इसके भी माने पढ़ लिए थे, क्या माने? जी कॉन्स्टिट्यूशन। और कुल्लियतुल अख का जमा क्या है? अख की जमा इखवा, अख की दो जमा है, इखवा भी है और इखवान भी है, दोनों जमा लिख दिया उन्होंने। अहलन व सहलन व मरहबा ये वेलकम हो गया, और यूनान ये कंट्री है ग्रीस, और नसरानी कहते हैं क्रिश्चियन को, और उसकी जमा क्या है? नसारा। तो इसी तरह से समझ लें यहूदी और उसकी जमा क्या होगी? यहूद, यहूदी ज्यूज और उसकी जमा है यहूद, तो यहूद और नसारा, यहूद और नसारा, ठीक है। तो ये हो गया जमा इस्तेमाल हो गई। इसके बाद आपके पास आ गया दरसुल खामिस, इसकी जमाएं खुद यहाँ पे भी लिखी हुई है 42 पे, देखें आप जाके पेज पर, ये सारी जमाएं जो हैं वो आपके सामने जब ये पढ़ी हैं वो यहाँ पर भी लिख दी हैं, उन्होंने इंग्लिश के साथ लिख दी है उन्होंने, जमा कह रहा हूँ मैं, ये मीनिंग लिख दी है इन्होंने। और इसके बाद अब दरसुल खामिस, ये इसमें जो आपको जो है भाई, जी जो लास्ट पेज है जी, इसका मतलब भाई जी, इख्वा जो है वो बहन, नहीं नहीं इख्वा जमा है, अख की जमा भाई हो, भाई जी, भाई ब्रदर्स, इख्वा इख्वान भी जमा, दो जमा है, दोनों मतलब क्या जी? दोनों एक ही मतलब, दोनों जमा। अच्छा, और बहन के लिए, बहन के लिए उख्त, उख्त जी, और उसकी जमा है उख्त जी, उख्त है वो। अच्छा, बहन को सिस्टर को कहते हैं अलिफ खे ते, उख्त, और उसकी जमा है अखवात, उसकी जमा क्या है? अखवात, अलिफ के ऊपर जबर, खे के ऊपर जबर, वाओ के बाद अलिफ और ते, अखवात, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ रह गया था कि क्वेश्चन टूल्स भी हमने पढ़े, देखिए ये जो मैं पूरा नक्शा दिया है ये हमने किया है अब तक, इसकी चाहे थी कॉपी, ये जो कुछ हमने 16 क्लासें जो होंगी हमारी कंप्लीट शुरू से पढ़ते आए हैं, क्या कुछ पढ़ा है इतने अरसे में खेलते खेलते पता भी नहीं चला, वो ये सब कुछ पढ़ गए हैं। ये देखें लिस्ट, तो नंबर वाइज कर लें, 1, 2, 3 कर लें, या जो भी कुछ कर लें, आप बताएं इसके अंदर से कि कौन सी चीजें हमने नहीं पढ़ी है, ये पढ़ी है। और अगर कोई और याद आ रहा है, जैसे मुझे अभी एक और याद आ गई चीज, वो ये कि हमने क्वेश्चन टूल भी तो पढ़े हैं ना, अदवातुल इस्तिफहाम, तो हम क्यों ना उसका इजाफा कर दें यहाँ पे, जगह है, वो जगह है, ये हुआ अदवात अल इस्तिफहाम, अदवातुल इस्तिफहाम में हमने कौन कौन से पढ़ लिए ये बताएं, अदवातुल इस्तिफहाम में क्या क्या पढ़ लिए, क्वेश्चन टूल्स कौन कौन से पढ़ लिए हमें देखें, हमने माँ पढ़ लिया, हमने हल और आ पढ़ लिया, हमने आईना पढ़ लिया, हमने मता पढ़ लिया, हमने मन पढ़ लिया, हमने लिमाजा पढ़ लिया, देखें अभी पढ़ा लिमाजा था ना, इसी से याद आ गया मुझे, लिमाजा पढ़ लिया, हमने लिमन पढ़ लिया, हूज यानी इस्तेमाल लिमन ये पढ़ लिया, और अय्यू पढ़ लिया जी, अय्यू के माने कौन सा, ये हुई, ठीक है। और हमने और क्या पढ़ा, कैफा पढ़ लिया,
और हमने एक और पढ़ा कम, कम क्या मैंने कितने, ठीक है जी, कम तालिबन फिल फसल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो ये और मन, ये सारे क्वेश्चन टूल्स थे जो हमने पढ़े, ये भी, ठीक है जी, ये इसका भी कौन कौन से। अच्छा जी, अब आ रहा है दरसुल खामिस, ये हवार है, लेकिन इससे पहले देखिए इस दफा कुछ आपको को काम करने को दिया नहीं है मैंने, ज्यादा बहुत कम है, उसे कर लें, फिर किताब की तरफ, तो ये किताब जितनी भी चलेगी 3 घंटे तक, हो सकता है 3 घंटे में किताब खत्म हो जाए पूरी, ठीक है, लेकिन जो पहले वाले काम है वो कर लें। उसमें से मैंने पीछे एक सर एक चीज भेजी है, वो क्या है, इन्होंने उस पर नून लगा दिया कि ये क्या किया आपने, नवाज शरीफ है वो, नून भी तो लगा, तो ये इसके ट्रांसलेशन करें जी, अरे पढ़ें तो यही आखिरी हमारा एंड है जी, आज जो भी कुछ, अब इसके बाद कोई इजाफा नहीं होगा, ठीक है, आज की जो क्लास होगी, अगली क्लास जो कल की होगी, वो सब जो कुछ पढ़ा है वो हम रिवाइज करेंगे। ये लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा, इसमें से कौन सी चीज आप समझना चाहते हैं, ये कल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी ये वाला, ये चीज को दोबारा बता दें, ये सब चीजें पढ़ ली हमने जी। क्या लिखा हुआ है भाई, खुदा का सलासा अजाब सियासती, मैं पढ़ लूँ जी, मैं पढ़ू आप ठीक कर लेते हैं, देख करते देखते जाएंगे। हुना का सलासतु अहजाबिन सियासिया कबीरा, कह रहे हैं कि देरा वहां पर 3 बड़ी जमातें हैं, सलासतु अहजाब, अहजाब इसकी किसकी जमा, हिज्ब की, हिज्ब कहते हैं जमात को, ठीक है जी, और उसकी जमा क्या है, अहजाब, इसी से एक सूरत है कुरान के अंदर सूरह अल अहज़ाब, ठीक है, इसी से एक जंग का नाम है ग़ज़वा अहज़ाब, जिसे हम कहते हैं ग़ज़वा खंदक, उसका असल नाम क्या है, अरबी, अरबी में कोई अगर आप किसी कहें ग़ज़वा खंदक तो वो नहीं, शायद अरब नहीं पहचाने, उसे कहना पड़ेगा ग़ज़वतुल अहज़ाब। ग़ज़वतुल अहज़ाब क्यों कहा गया उसको, इसलिए कि उसमें कुफ्फार ने अपने साथ जो लोग जमा किए थे, बहुत बड़ी तादाद लेकर आए थे, वो 10,000 के करीब थे शायद, पता नहीं, और वो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ वो खुद वो नहीं थे, बल्कि आस पास के कबाइल और भी जो थे और जमातें जो थी वो उसके अंदर शामिल हो गई थी, लिहाजा उस लड़ाई का नाम अहजाब यूं बनाया कि उसके अंदर एक कोई जमात नहीं थी, खाली मुशरिकीन मक्का नहीं थे, बल्कि मक्का के अतराफ में जो और कबाइल थे वो भी शामिल थे, उन्होंने सबको जमा करके और फिर हिसाब किताब करना चाहता था मुसलमानों को खत्म कर दे। और ये लड़ाई कब हुई थी, सन 5 हिजरी में, ये भी याद रखना चाहिए, सन 2 हिजरी के अंदर यानी हिजरत के दूसरे साल रमजान की 17 तारीख को ग़ज़वे बदर हुई थी, पहली जंग थी वो, और उसके बाद सन 3 हिजरी के अंदर ग़ज़वे उहद हुआ था, जिसमें उनकी तादाद 3,000 थी और मुसलमानों की तादाद जो है थी तो 1,000, लेकिन रह गई 700, 300 वापस आ गए थे, कितना बड़ा धोखा दिया था मैदान जंग में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो 300 आदमियों को लेकर वापस लौट गया, कौन, अब्दुल्ला बिन उबई, 300 आदमी लेकर वापस लौट गया कि मैं तो नहीं कर, मैंने तो आपसे मशवरा ये दिया था, मैंने तो आपसे ये कहा था कि अंदर बैठ के हम अपना अंदर से बैठ के लड़ेंगे, बाहर निकल के नहीं लड़ेंगे, ये जाके मैदान जंग में कह रहा है वो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाओ, ठीक है, झगड़ा नहीं, वो लेकर आ गया 300। तो ये एक थी ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद, और ग़ज़वा उहद के बाद सन 5 हिजरी के अंदर फिर ग़ज़वा जो है वो ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, जिसे कहते हैं ग़ज़वा खंदक, और इसके अंदर बहुत बड़ा दखल था सलमान अल फारसी का, जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि खंदक खोदी जाए, जो कि अरब इससे नावाकिफ थे, चूँकि वो इस्लाम लिए कबूल कर लिया था सलमान फारसी ने, और वो चूँकि फारस के रहने वाले थे और इसको जानते थे, तो उन्होंने ये कहा कि तो देखें इसका मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे भी सुना करते थे, ऐसा तो नहीं था मैं बस जो मैं कह रहा हूँ वो, ऐसा नहीं था, ठीक है, आपने मशवरा लिया और मशवरा दिया सलमान फारसी ने, और आपने उस पर अमल भी करा, और आप खुद शरीक हुए खंदक खोदने के अंदर, और आप भी खंदक खोद रहे थे, वो खंदक खुदी, उससे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो सारे के सारे उधर ही पड़े रह गए, अब वो इधर कैसे आए चला, तो आखिरकार खाना पीना उनके बाद ख़त्म हुआ, ये सब कुछ हुआ था, तो वो थी ग़ज़वा खंदक, ठीक है जी। ग़ज़वा बदर के अंदर उसको लीड कर रहा था अबू जहल, ग़ज़वा उहद को लीड कर रहे थे अबू सुफियान, ठीक है जी, इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त तक उन्होंने, अबू सुफियान ने उसको लीड कर रहे थे, और फिर ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर याद नहीं पड़ रहा कौन, याद नहीं आ रहा, ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर मेरे ख्याल
सभी। लेकिन खालिद बिन वलीद जो है वो उस वक्त तक गजवाए ओहद तक इस्लाम नहीं लाए थे। गजवाए ओहद में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा मुसलमानों को वो खालिद बिन वलीद की वजह से पहुंचा। लेकिन जब खालिद वलीद दोबारा इस्लाम कबूल जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया है तो ऐसा सिपहसालार मुसलमानों को नहीं मिला, इतना जबरदस्त सिपहसालार। और आप ये देखें कोई जंग ऐसी नहीं जो हजरत खालिद बिन वलीद ने ना लड़ी हो, हर जंग में उसके बाद जब वो मुसलमान हुए तो हर जंग में शरीक होते थे, बहुत बेहतरीन सिपहसालार थे, बेहतरीन सिपहसालार। लेकिन मौत बिस्तर पे लिखी हुई थी, इतने जख्म आए कि जगह नहीं थी। लेकिन सारी कोई जंग ऐसी नहीं थी जिसमें वो शरीक ना हुए हो और सिपहसालार, लेकिन मौत कहाँ लिखी थी अल्लाह ताला ने? बिस्तर पे, तो वो उनका इंतकाल बिस्तर पे, मैदान जंग में नहीं। उसका मकसद ये है कि डरना नहीं चाहिए, मैदान जंग में जाने के लिए तो मारे जाएंगे जहां मौत लिखी। और अगर मैदान जंग में मौत लिखी हुई है तो आप अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है चाहे तुम कितने ही किलों के अंदर छुप जाओ, मौत तो जब आनी है तो वो तो वहां पर भी आएगी, वो अंदर भी आएगी, चाहे आप अंदर बैठ जाओ या बाहर निकल जाओ। और मौत अगर मैदान जंग में नहीं आनी है तो मैदान जंग में भी नहीं है। ये है जी, आ जाए अब ये दरसुल खामिस अल फतयात आदल जी। हाँ वो मैं पढ़ रहा था जी 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 सलासत अहज़ाबिन सियास जी, कितने थी? तीन, तीन बड़ी जमातें मैंने आपको बताया जी, तो तर्जुमा तो आपने करना ना। हुनाका सलासत अहज़ाबिन सियासिया कबीरा, तीन मेजर, ठीक है जी, मेजर पार्टीज जो है वो कौन कौन सी हैं सियासी पॉलिटिकल मेजर, देयर आर थ्री मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। कौन तो सियासी के मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं? वही है, अब उनके नाम दिए जा रहे हैं, वही है और वो हिजबुल शाब पीपल्स पार्टी जी, हिजबुल इत्तेहाद अल मुस्लिम मुस्लिम लीग पार्टी, ठीक है जी, वह हिजब तहरीक इंसाफ डाल दिया मैंने, यही और है जी जी हाँ, वो तहरीक इंसाफ जी का। अच्छा ये तो हो गया, ये इसका ट्रांसलेशन आप उसके बाद आगे आगे देखें। प्रॉपर ना होने में तो हम उसको क्यों ट्रांसलेट करते हैं, ये तो नाम चेंज हो गया, शाप के नाम माने तो क्या है? वही रहेगा। नहीं नाम चाहे तो रख ले उसको ब्रैकेट में करके वही करते हैं, लेकिन हिजब शाप अगर ये आप मतलब बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका शाप का मीनिंग यही है न? जी आप पर हम पीपल्स लोग के जिस तरह आपने जी, तहरीक इंसाफ लिखा तहरीक है इंसाफ तो खुद अरबी का लफ्ज है, तहरीक भी और तहरीक तो इंसाफ अरबी का लफ्ज है, इंसाफ भी अरबी का लफ्ज है, तो तहरीक इंसाफ। और अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो नहीं बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैंने इसका तर्जुमा भी कर दिया, ठीक है। कानत हुना का अल इंतखाबात जी, अब ये हुना का इंतखाबात फी योमिल खमीस, कब इंतखाबात इलेक्शन कब हुए? तो इसका मतलब इलेक्शन को जो है इंतखाबात ही कहते हैं, तो योमुल खमीस बिल्कुल कानत हुए थे, हो गए हो चुके हैं ना जी। कानत हुना का अल इंतखाबात कौन सी तारीख को? योमुल खमीस 8 तारीख को, और दो ये महीना दूसरा था 2004 को। वह वदा अल पाकिस्तानियों अस्वातहुम, और पाकिस्तानियों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, वदा के माने डालना, ठीक है, पाकिस्तानियों ने अपने वोट डाले, वोट को क्या कहते हैं जी? अस्वा, आवाज तो आवाज को नहीं कहते सर, हाँ तो आवाज ही तो होती है वोट, क्या वोट आवाज है दबा दी जो दबा दी, वो इसीलिए इसका नाम सौत रखा है, ठीक है। अब तस्वीर जी, निशान ये रहा, प्रूफ है जी, डाला है, लेकिन जी मैंने तो बड़े तरीके इस तरह से डाला है कि नहीं नहीं पता तो चल मैं बता देता हूँ, पता नहीं चलेगा कि यहाँ वाला जो सूबाई था वो तो मैंने डाल दिया जमात इस्लामी को, और जो मरकजी था वो मैंने डाल दिया तहरीक, इससे मुझे पता था कि वहां तो जमात इस्लामी कराची तक ही महदूद है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों गए मेरे कि जमात इस्लामी वहां से वो चलो जीती नहीं, 5 के बाद जो वोट लगे हैं ना वो आपका और वहां से जो था वो भी नहीं जीते जो तहरीके इंसाफ वाले थे, तो हमारे आखिर चांस बस ये हुआ कि वो जीत गए, क्या नाम है, नईम साहब, हाफिज नईम तेरह साहब जीत गए, 2 सीटें मिली। नहीं सर जी, तो ये अच्छा हुआ बात, कल डीएचए का वो जीत रहा था हाफी नहीं सर जीत गए, बस दो ही तो के जीते बाद एकदम से
इख्तियार में एक कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली में नहीं पहुंच सके ना ये लोग, जमात इस्लामी वाले कौमी असम्बली में सुबह वाले जी पार्टी के कितने 55-60 हैं। चले जी आगे आप पढ़े इसको करें जी। और अपने वोट इस्तेमाल किए पाकिस्तानियों ने और क्या हुआ वल आन नहनु मुंतजर मुंतजरून मुंतजर नहनु ननतजर ननतजर नहनु ननतजरु ननतजर النتائج نتائج वल नदरी वला नदरी और हमें नहीं मालूम वला नदरी एंड वी डोंट नो ठीक है वला नदरी हमें नहीं मालूम क्या नहीं मालूम मन से यफूज के कौन जो है वो कामयाब होगा अल्लाह अदरी के माने मैं नहीं जानता और ला नदरी के माने हम नहीं जानते और इसमें भी ज्यादा वो नहीं करें। देखिए कुरान के अंदर आया है कहाँ है वमा अदरा का अलकारियातु मलकारियातु वमा अदरा का मलकारिया वमा अदरा का और तुम्हें क्या मालूम और तुम क्या जानो कि कारिया क्या है। देखे आगे ना दरा अदरी के माने जानने के ला अदरी मैं नहीं जानता वमा अदरा का और तुम्हें क्या मालूम कैसे अदर अलिफ दाल गाय के साथ ना हम के लिए ये तो मुजारे का था नफालू नहीं मालूम। हाँ हम नहीं जानते अच्छा प्रेजेंट फ्यूचर हम नहीं जानते माजी का नहीं है ये पास्ट का नहीं है प्रेजेंट का नफालू का नजहबू के उस पर है नजहबू नदरी जी ठीक हम नहीं जानते नून आ रहा है ना तो नफालू का है ना जी जी कौन जीता मन से यफूज फाजा यफूजू के माने हैं जी कामयाब होना एक है नजह यंजहू जो आपने पढ़ा था जो आपको रूट पढ़ दिया नजह यंजहू जो है वो इम्तिहान में कामयाबी है यानी ये जो पढ़ने पढ़ाने के अंदर जो कामयाबी होती है ना इसके इस्तेमाल किसके लिए कहते हैं नजह और स्पोर्ट्स में और इसी तरीके से मुकाबलों के अंदर जो जीतना और हारना होता है उसके लिए नजह और रसबा इस्तेमाल नहीं होता है। ये कोई नहीं कहता कि हम भी नहीं कहते हैं उर्दू में भी नहीं कहते कि जी फलानी टीम जो है वो फेल हो गई फेल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता ना हार गई कहते हैं ना ये तो नहीं कहते फेल हो गई। हाँ अगर एजुकेशन में आ जाए तो क्या कहेंगे पास हो गया और फेल हो गया और हम वहां ये भी नहीं कहते कि फलानी टीम जो है वो पास हो गई इम्तिहान दो क्रिकेट मैच मैच हो रहा था इंडिया जो है वो पास हो गई और पाकिस्तान फेल हो गया हाँ तो क्या जीत गए तो जीतने के लिए जो है वो फौज है और इसके फिर इसका अपोजिट क्या है तो क्या फौज का अपोजिट क्या है ठीक है अभी नाम भी रखते हैं फायजा फायजा नाम रखते हैं लड़कियों का नाम होता है फौज के माने कामयाबी ठीक है फौज के माने कामयाबी फाजा है फाजा रूट वर्ड है फाजा फाजा यफूजू जी देखिए ये फाजा और इसका मुजारे क्या है यफूजू फाजा यफूजू के माने फाजा के माने वो कामयाब हुआ और यफूजू के माने वो कामयाब होता है या कामयाब होगा और ये हारने को जी हारने को जी फाजा यफूजू के माने कामयाब होना और दोबारा कम करवाते और ये फशना फेशीन लाम ये इसका अपोजिट हो गया। चले ये तो अभी ये रहना नहीं तो आगे ये चले वो तो बाद में जनरल नॉलेज के लिए ठीक है जी। अल फतायात नहीं कर दूंगा फिर जब आप कह रहे हैं तो हो जाएगा जब बता पूछ रहे अल फतायात अल फतायात जी अल फतायात। अब देखें ये वाला जो सबक है पिछला वाला जो सबक था वो लड़कों पर था फीमेल का मुजक्कर का था अभी
कर ये रहे हैं कि एक सबक ये मुजक्कर का बनाते हैं, एक मोहनस का बनाते हैं, ताकि दोनों की जमा आपको पता चल जाए, दोनों के प्रोनाउन जमा वाले पता चल जाए, मुजक्कर का पता चल जाए, मोहनस के। अब ये मोहनस का है, सारी चीजें इसके अंदर मोहनस की आ रही है। वहां उन्होंने बताया था फतह की जमा फितिया, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि ये अलफतयात, ये फतात की जमा है, फतात के माने नौजवान लड़की और अलफतयात नौजवान लड़कियां, ठीक है जी। अलफतयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये तो वो जो आई थी यंग लड़कियां, उन्होंने ये सलाम किया, ठीक है जी। तो ज़ैनब ने उसके जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और फिर सवाल देखे, वहां पर सवाल हुआ था मन अंतुम, वहां ये सवाल, पिछला सबक आप देखें इसको मिलाए, वो मुजक्कर का था, ये मोनस का है। यहाँ सवाल मन अंतुम नहीं है, यहाँ क्या है मन अंतुन्ना या अखवात, वहां पे था मन अंतुम या इखवान, पिछले वाले में मन अंतुम या इखवान, आप सब कौन हैं ए भाइयों, और यहाँ सवाल है मन अंतुन्ना या अखवात, आप सब कौन हैं ए बहनों। तो क्या जवाब दिया एहदा हुन्ना। अच्छा देखिए पिछले वाले सबक को साथ रख के देखते जाएं, पिछले वाले सबक के बाद था अहादुहुम, उनमें से एक, उनमें से एक ने जवाब दिया वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। अब यहाँ आ रहा है एहदा हुन्ना, वन ऑफ देम, तर्जुमा आप ये इसका भी वही करेंगे वन ऑफ देम, लेकिन यहाँ पे एहदा हुन्ना है, वहां है अहादुहुम, वहां था उनमें से एक, वो मेल का था, यहाँ है तो वहां देखिये वहां अहदा की मोनस लेकर एहदा, तो पता चला अहदा की मोनस क्या है एहदा, और हुम की मोनस क्या हो गई हुन्ना, तो एहदा हुन्ना उनमें से एक, यानी वन ऑफ देम। क्या जवाब कहा उन्होंने, कहा नहनु बनात शेख अब्बास, ठीक है वहां याद आ रहा है, वहां क्या कहा था उन्होंने नहनु अबनाउ शेख मूसा, मुझे याद आ रहा है उन्होंने ये कहा था कि हम मूसा के बेटे हैं, यहाँ वो कह रही है नहनु बनात अशेख अब्बास, हम शेख अब्बास की बेटियां हैं। तो देखिए वहां भी अहलन व सहलन आया था, यहाँ भी आया, ज़ैनब ने क्या कहा अहलन व सहलन, ठीक है मरहबा, और उसके बाद उम्मु कुन्ना उस्तादती, आप सबकी मदर, यानी ये फतयात की जो मदर है वो ज़ैनब कह रही है कि आप सबकी मदर जो है उस्तादती मेरी प्रोफेसर है, ठीक है ये मेरी टीचर है, उस्तादा वैसे प्रोफेसर के लिए ज्यादा बेस्ट है, मेरी प्रोफेसर है। कैफा हालुहा, उनका क्या हाल है, अब वहां पे था कैफा हालु हु, ठीक है क्या हालुहा, तो जवाब एहदा हुन्ना वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या जवाब देती है हिया बिखैर, माता हुआ बिखैर, या है हिया बिखैर, शीज बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे था हुआ भी खैर, यहाँ पे हो गया हिया भी खैर, वो ठीक, वो खैरियत से है। ज़ैनब ने अगला सवाल किया अइना हिया अलान, वो अभी कहाँ है जी, वो नहीं वो कहाँ, हाँ वो अभी कहाँ है, अलान के माने नाउ, वो अभी कहाँ है, तो एहदा हुन्ना उनमें से एक जवाब देती है, एहदा हुन्ना उनमें से एक, हिया अलान फिर रियाद, वो अभी रियाज में है। ज़ैनब मता ज़हबत, देखिये ज़हबा नहीं ज़हबत, वो कब गई, एहदा हुन्ना उनमें से एक जवाब देती है ज़हबत क़ब्ल उस्बूर, वो एक हफ्ते पहले गई, क़ब्ल उस्बूर, क़ब्ल का माने बिफोर, क़ब्ल उस्बूइन एक हफ्ते पहले गई है। ज़ैनब मन ज़हबा माहा, उनके साथ कौन गए, मन के माने हु, ज़हबा माने वैन, माहा विद हर, विद हर उनके साथ, और वहां अगर होता तो क्या होता माहू विद हिम, अगर ये होता कि माहू होता तो उसका तर्जुमा होता विथ हिम, और माहा विथ हर जी, उनके साथ कौन गया है, तो एहदा हुन्ना फिर उनमें से एक जवाब देती है ज़हबा माहा अखूना इब्राहिम, उनके साथ हमारा भाई, इन सब बहनों का भाई, हमारा भाई इब्राहिम गया है। ज़हबा माहा अखूना, अखूना के माने हमारा भाई, आर ब्रदर्स इब्राहिम, उसका नाम भी दे दिया इब्राहिम गया। कैफा हालू कुन्ना, अब उन्होंने पूछा आप सबका क्या हाल है, ज़ैनब ने पूछा कैफा हालुकुम, नहीं अगर यहाँ मेल बैठे हुए सारे तो क्या मैं आपसे कैसे पूछूंगा कैफा हालुकुम, और अगर यहाँ सारे फीमेल बैठी तो मैं कैसे पूछता कैफा हालुकुन्ना, आप सबका क्या हाल है, तो क्या उन्होंने क्या उन्होंने क्या जवाब दिया एहदा हुन्ना, उनमें से एक ने जवाब दिया नहनु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, आप सब कौन से स्कूल में हैं, फी अय्यि मदरसतिन इन विच स्कूल, ठीक है अंतुन्ना आप सब, अंतुन्ना के माने आप सब, ठीक है यू ऑल, ठीक है तो उन जवाब क्या दे रही है नहनु फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, हम सब मिडिल स्कूल में हैं।
मदा इख्तिबार कुन्ना, आप सबका इम्तिहान कब है? देखें इम्तिहान की बात भी अब आ गई है, क्योंकि आप लोगों का भी इम्तिहान होना है, इसलिए इख्तिबार। मदा इख्तिबार कुन्ना, आप सबका इम्तिहान टेस्ट कब है? तो वो जवाब क्या दे रही है? इख्तिबारुना बाद शहर इंशाल्लाह, हमारा इम्तिहान इंशाल्लाह एक महीने बाद है। ठीक है सर, एग्रीड। ओके जी, एग्रीड हो बाद शहरिन, बाद शहरिन आफ्टर वन मंथ इंशाल्लाह। ठीक जी, ये उनके बारे में है, फीमेल के बारे में। वो कह रही है आप जी। जैनब, जैनब का अगला सवाल, अज़हबतुन्ना इलल मदरसती अल्यौम, अज़हबतुन्ना, क्या आप सब गई आज स्कूल, क्या आप सब आज स्कूल गई? तो इहदाहुन्ना, उनमें से एक जवाब देती है, नाम ज़हबना, यस वी वेंट, व रजाना, हम गए, ज़हबना, हम सब गए, व रजाना, और हम सब वापस भी आ गए, वापस गए भी और रजाना, वापस लौटे जी। ये था सबक। अब इस पर एक्सरसाइज लानी बात है, वो मोनस की आ जाएगी, वहां पर बिल्कुल सेम वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है उस सबक में और इस सबक में, सिर्फ क्या है, जमीरें जो हैं, प्रोनाउन जो हैं, वो बदल रहे हैं, वो मोनस के आ रहे हैं, जमा जो है वो मोनस आ रही है, वहां मुजक्कर थी या मोनस है, एक ही चीज है। मन अंतुन्ना, अपूरा नहीं, पर्सनल में नहीं आएगा, हमारा भाई बोला, हाँ हमारा भाई, तो अखु ये आएगा उससे पोजेसिव, किताबुना और बुक, तो ये आएगा पोजेसिव में ना, नहनु वाले नहनु में नहीं आएगा, पोजेसिव में आएगा, किताबी नहीं, देखिए अना और चीज है, और किताब देखिए अना के माने अना तालिबुन, वहां देखिए ये देखिए अना तालिबुन वहादा कलमी, एक अना है एक या है, देखिए अना के माने तो बैन, आई एम स्टूडेंट, तो आई आ गया, अना के माने हो गया आई, वहादा कलमी एंड दिस इज माई पेन, तो या के माने क्या है, माई, तो आई के लिए क्या है अना, और माई के लिए क्या है या, ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ क्या करें आप, अब हाँ ये था, ना आ गया होगा, या नाहनु, नाहनु के साथ ना है जी, ठीक है जी। Our brother. जी, मन अंतुन्ना, आप सब कौन है? मन अंतुन्ना, मन अंता के माने आप कौन है, मन अंती आप कौन है, एक से पूछ रहे हैं, मन अंतुन्ना सब फीमेल से आप पूछ रहे हैं, आप सब कौन है? तो क्या जवाब देंगी वे, तो क्या जवाब देंगी, नहनु, मसल कोई भी जवाब दे दे, नहनु तालिबात, या नहनु बनात, बनात किन की बेटी है वो, नहनु बनात शेख अब्बास, ये भी जवाब आ सकता है, मन अंतुन्ना आप सब कौन है, नहनु बनात शेख अब्बास, हम शेख अब्बास की बेटियां हैं, या नहनु तालिबात, ये भी जवाब हो सकता है, हम फीमेल स्टूडेंट्स हैं जी। अइना उम्मुकुन्ना, आप सबकी मदर कहाँ है मसलन, तो क्या जवाब आएगा, उम्मुना, ये जवाब देंगे ना, हम हमारी मदर, उम्मुना फिल बई, या उम्मुना फिल मकतब, या उम्मुना फिल सूक, हमारी मदर बाजार में है, हमारी मदर घर में है, हमारी मदर ऑफिस में है, उम्मुना फिल जामिया, जो भी जवाब हो सकता है। अइना बैतुकुन्ना, तो देखें जवाब में आप कहाँ चले जाएंगे, जब ये सवाल ये बनेगा तो जवाब में आप कहाँ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन में जाएंगे ना, और फर्स्ट पर्सन की जमा में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन की जमा में क्या आता है, ना आता है, तो क्या हो जाएगा, अइना बैतुकुन्ना, तो हो जाएगा बैतुना, आर हाउस, ठीक है, बैतुना मसलन फी डिफेंस, बैतुना फी गुलशन इकबाल, बैतुना फी मलीर, कोई भी जवाब दे सकता है। अइना अखूकुन्ना, आप सबका भाई कहाँ है, सबका भाई, कि भाई एक है आप सबका, यानी अखूना, देखिए अखूना फिल भाई, अखूना फिल मदरसा, ये जवाब हो जाएंगे। अइना मदरसा तो कुन्ना, आप सबका स्कूल कहाँ है, तो क्या जवाब आएगा, नहीं स्टार्ट से ही पकड़ेंगे तो जवाब हो जाएगा, मदरसतुना, मदरसतुना, मदरसा पूरा लिखेंगे ना उसके साथ फिर ना लगाएंगे, मदरसतुना हमारा स्कूल जी, हमारा स्कूल, कुछ भी आप डाल दें, हमारा स्कूल जो है अमामा फी क्लिफ्टन जी, मदरसतुना फी शारे फैसल, तो भी चाहे अज़हबतुन्ना इलल मदरसते अल्योम, क्या आप सब आज स्कूल गई, ना,
लेकिन खाली नाम पे गुजारा नहीं कीजिएगा, वो नाम लिख कर छोड़ दीजिए, नाम और ला बस नहीं, नाम तो यही से उठा ले, नाम ज़हबना इलल मदरसा अलियो, या ला नहनु मा ज़हबना इलल मदरसा अलियो। ये तो था, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा जो सवाल है वो ये है कि मुअन्नस बनाइए इनको, हम मुज़क्कर दे रहे हैं आपने मुअन्नस बनाना। देखिये अंतुम तुल्लाब, आर यू स्टूडेंट्स मेल, अब इसको मुअन्नस में ले जाए तो कैसे जाएंगे, आ तो आर अपनी जगह रहेगा, क्वेश्चन टू तो अपनी जगह रहेगा, अंतुम जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अंतुन्ना हो जाएगा। अब देख अंतुन्ना तालिबातुन, आर यू फीमेल स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसी पैटर्न पे आपने बनाना है, अंतुम मुदर्रिसून उनकी बनाए, अंतुम अंतुन्ना अंतुन्ना मुदर्रिसात, ये भी याद रखे ना, मुदर्रिसातुन इसी पैटर्न पर रहेगा, तालिबात मुदर्रिसात अंतुन्ना मुदर्रिसात जी। अगला चले, अगला करेंगे, आर यू डॉक्टर्स, आर यू मेल डॉक्टर्स जी, तबीबात तबीबात अंतुन्ना तबीबात, तो बे ये बे अलिफ ते तबीबात जी। आगे इख्वातु, हाँ आर यू, आर यू ऑल हामिद ब्रदर्स, क्या आप सब हामिद के भाई हैं जी। अखवातु हामिद, तो सही है ना, अखवात हो गया ना, क्या आप सब हामिद के भाई हैं, क्या आप सब हामिद के भाई हैं। अब आपने बनाना है क्या आप सब हामिद की बहनें हैं, अच्छा अच्छा तो क्या बन जाएगा, अंतुन्ना अखवातु हामिदिन, इखवा क्या हो जाएगा, अखवात हो जाएगा ठीक है। अगला अंतुम मुस्लिमून जी, जी जी हाँ अंतुन्ना मुस्लिमात, देखिए अंतुन्ना मुस्लिमात, आर यू ऑल फीमेल मुस्लिम्स जी जी। आगे क्या आप सब महमूद के चचा हैं, नहीं क्या क्या जी चचाज हैं, क्या आप सब महमूद के, चचा की जमा नहीं आ रही है मुझे तो यही कर देता हूँ मैं, चचाज कर देता हूँ, क्या आप सब महमूद के चचाज हैं जी। अंतुन्ना अम्मातु महमूद, बिल्कुल सही जी, क्या आप सब महमूद की फुफियां हैं, अंतुन्ना अम्मातु महमूद, क्या आप सब महमूद की फुफियां हैं जी। लसा इसको इसी को चेंज करके दिखाएं, मैं बोलता हूँ, देखिए अरबी बना के दिखाएं, चेंज इन टू अरबिक, क्या आप सब महमूद के मामू हैं, खाल की जमा लानी होगी ना, अखवाल अंतुम अखवालु महमूद, क्या आप सब महमूद के मामू हैं, अच्छा क्या आप सब महमूद की खालाएं हैं, अंतुन्ना अंतुन्ना खालातु, खाला की जमा क्या है, खालात ठीक है, अंतुन्ना खालातु महमूद, क्या आप सब महमूद की खालाएं हैं। अब उर्दू में खालाएं होता है और अरबी में खालात हो जाता है ठीक है, बनात खालात एक ही पैटर्न पर होता है ना, तालिबात एक ही पैटर्न है, एक कोई एक याद कर लें, तालिबात तो याद होगा ना आपको, तालिबात पर रखा जाए, तालिबात बनात सालिहात तय्यिबात मुस्लिमात सब एक ही पैटर्न जी जी, कुरान में भी आया, 20वें बारे के शुरू में है, कुरान में आया अल खबीसून वल खबीसात, देखें खबीस की भी मुअन्नस क्या है, खबीसून और खबीसा की मुअन्नस क्या हो गया, खबीसात, कुरान की आयत है अल खबीसून वल खबीसात जी, ये एक ही पैटर्न पे। अंतुम अबनाउल मुदीर, क्या आप सब मुदीर के बेटे हैं, अब आपने कहना है क्या आप सब मुदीर की बेटियां हैं, बनातुल मुदीरी, बिल्कुल सही, अंतुन्ना बनातुल मुदीरी। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि आप चेंज करें इस सेंटेंस को मौनस में, जेंडर चेंज करना तो कर लेंगे, आसान आसान हो जी। अंतुम जी, अगला जी जी बादामी साहब, अंतुम आबाओ तुलाब जी, अंतुन्ना आबाओ अंतुन्ना
आबा की उम्महात, अंतुन्ना उम्महातुत्तुल्लाब, उम की जमा क्या हो गया उम्महात, अंतुन्ना उम्महातुत्तुल्लाब के आप सब स्टूडेंट्स की अम्मियां अम्माएं हैं जी, ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माए जी सारी जो है वो। ये था, अब कह रहे हैं ये कौन सी, अब जो आपकी अभी आपने अली साहब जो बात की थी, देखें ये इसकी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये जो अटैच प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन, देखें उसकी, देखें अईना बैतुकुम, ये देखें कुम जो आ रहा है कुम, ये अटैच प्रोनाउन है ना पोजेसिव प्रोनाउन, अईना बैतुकुम या इख्वान, आप सबके, आप सबका घर कहाँ है, घर एक है और सबका है वो, तो आप सबका घर कहाँ है ए भाइयों, भाई तो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आप सबका घर कहाँ है, तो कुम आ गया, ठीक है ये। अब इसको चेंज करना है मोनस पे, आप सबका घर कहाँ है ए बहनों, तो फिर क्या कहेंगे अईना बैतुकुन्ना या अखवात, आप सबका घर कहाँ है ए बहनों, इसी पैटर्न पे आप बनाते जाएं जी। अईना अखूकुम, चलें पहले ये कर लें, अब ये लें सर, वो बादामी साहब का फोन आया था, अजलाल साहब का, अजलाल साहब का फोन आया था मेरे पास, आपके रेफरेंस से उन्होंने बात की थी कि क्लास के बारे में, तो फिर मैंने कह रहे थे कि फिर आप उनसे तय कर लें जैसे भी कुछ करें वो लोग, तो हम ताकि उसका क्लास का कर लें, तो आप बताए, मैंने उनको ये बात बताई कि आप ऐसे ना करें, किताबें तो हमारे पास अभी काफ़ी हैं इसकी, तो आप ये करेंगे ये जो कोर्स अभी हमने किया है इसको आप डाल दें बेसिक में, ठीक हो गया जी, और मैंने उनको ये भी बता दिया कि हमने पूरी किताब ख़त्म नहीं की है, कुछ रह गया पार्ट उसका वो कर लेंगे साथ ही इसके, और अगला वाला आप खोल दें इंटरमीडिएट उसको कर लें, उसके अंदर भी दो किताबें रख लें, थ्री और फोर हम कर लेते हैं, ठीक है, और ये टू भी कम्प्लीट कर लेंगे, तो इसका टाइम जी ये थ्री और फोर का तो वही टाइम लिया मांगा है उनसे उन्होंने, तो अब जो जो लाजमी बात है कि 16 क्लासे होती थी, अब वो 16 की बजाय 32 हो जाएंगी, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होगी ना, तो क्लासे कितनी हो जाएंगी 32 हो जाएंगी फिर, और ऑनलाइन अगर आप रखेंगे, अब ये भी बात उन्होंने मैंने बात की, मैंने कहा क्लास कैसे रखी जाए, कहने लगे हम एक क्लास का वैसे भी एक करना चाह रहे हैं ऐलान, तो मैंने कहा वो क्लास अगर आप जो करेंगे उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये वो दोनों साथ तो नहीं बैठ सकते, ये तो वो अलग क्लास करेंगे आप, वो आप ऑनलाइन कर दें, मैंने उनसे ये कहा कि वो आप ऑनलाइन कर दें और ये जैसे चल रही है इसको ऐसे ही कर दें, चलना ये फिर आप उनसे लोगों उनसे मशवरा कर लें, कम हमारे लिए कमरे का मसला होगा इसका होगा, मैंने कहा कमरा तो है वहाँ पे, कोई मसला नहीं है, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं ऑडिटोरियम में, कह रहे हैं वो मैं कर लूंगा अगर वो चाहते हैं कि ऐसे यानी इस तरह से करना चाहते हैं क्लास, तो ऐसे कर लेते हैं, 1.5 घंटे की सर क्लास के लिए एक दिन पूरा आधा ज्यादा भी लग जाता है, फिर तीन घंटे रखे वीक में एक, फिर तीन घंटे रखेंगे, अगर आप यही क्लास करना चाहते हैं तो वो तो फिर वही यही वाला तरीका रहेगा, अगर ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो 1.5 घंटा करना, रमजान भी आ रही है फिर ऑनलाइन में मुश्किल होगी, हाँ ये मसला है रमजान के अंदर तो ऑनलाइन ज्यादा बेहतर रहेगी ना, संडे को 2 से 3.5 घंटे एवरी संडे, अच्छा वैसे भी सर जो फिजिकल शुरू का जो पिच था ना वो फिजिकल में लग से कवर हो गया जी, अब जो है वो ऑनलाइन हम आप समझ लोगे ज्यादा आसानी रहेगा, आई थिंक आगे भी पैटर्न यही रखना चाहिए, आई थिंक आगे भी जो है ना जो आई कैप अपना सिस्टम में रखे उसको एक काम करें ना, फिजिकल क्लास है वो फिजिकल हो इंटरमीडिएट जैसे सर लिखते हैं बट उसको फिर ऑनलाइन, एक ये भी है कि कुछ पोर्शन चाहे इंटरमीडिएट हो जो आगे तो उसमें कन्वर्सेशन पे
जब आपके पास काफी चीजें जमा होगी ना, मेरे बाप जिस तरह सबसे पूछते हैं ना, वो ऑनलाइन पे वो भी मैनेज करेगा ताकि उससे बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। एक काम मैं ये चाह रहा था कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि अब ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हो, ठीक है, चूंकि बीच में रमजान भी आ रहा है, तो ऐसा रखा जाए कि ऑनलाइन को हम करते हैं, चेक करते हैं ऑनलाइन पर, अगर आपको ज्यादा फायदा हो रहा है ठीक है ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे, और अगर कभी आपका ये मूड हो गया क्योंकि अब रमजान निकल गया है, आ जाते हैं यहाँ कर लेते हैं, तो फिर वो इस तरह से भी उसको आगे कुछ क्लासेस यहाँ कर लेंगे या कैसे कर लेंगे, रमजान के बाद ऐसे कर लेंगे, तो वो भी करें तो जो भी कर सकते हैं आप अपने मर्जी से उसको कर सकते हैं। चार ऑनलाइन करके पांचवी फिजिकल, और उसको ये तो आप बताएं बनाएं आप जो भी कुछ करें, वो जहाँ कन्वर्सेशन की जरूरत होगा जो प्रैक्टिस करवाएंगे स्पेशली ऑडियंस के सामने अरबिक में, हम लोग जैसे प्रैक्टिस सेशन आता है वो, उसके लिए फिजिकल जरूरी है। देखिए फिजिकल का तो अलग फायदा होता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं, और ये बात सही कह रहे हैं साहब कि एक क्लास ऐसे कर ली जाए, एक क्लास जो है ऑनलाइन करें पांचवी फिजिकल करें, चार क्लास हो जाए हमने प्रोग्राम ये बनाया है। देखें अभी पहली क्लास जो थी ना हमारी बेसिक, उसमें तो आप बिल्कुल जो है मामला कोरा मामला था ना, बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं ना। अब आप इस पोजीशन में आ गए कि आपके पास कुछ है, तो अब हम एक काम ये भी करेंगे कि यानी क्लास के जो थोड़ा सा ये सेटिंग है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, चार चार का ग्रुप बना देंगे, तीन तीन चार चार का ग्रुप बन जाएगा ना, और फिर उन चार का इन चार के साथ जो है ना वो फिर बात करेंगे, ये कन्वर्सेशन इस तरह से ग्रुप बना देंगे आपको को, ये है प्रोग्राम, ये नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलेगा, मामला चेंज होगा। अब देखें आपके लिए बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, आपके पास जितने भी वो थे क्या नाम है हमने जो टर्म्स भेजे थे वो आ चुके हैं, वो तो अब दोबारा करने नहीं है, वो तो आपके पास हैं, उन्हीं में से हमने निकाल लेकर आने हैं, सही है, तो वो उसका टाइम एक बचेगा हमारा, वो हो गया। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जैसे कि प्रोनाउन, बहुत सी चीज़ें जो पढ़ ली हैं हमारे पास, वो वापस लौटेंगी, वो तो बच तो नहीं सकते, प्रोनाउन भी वापस आएंगे, सारी चीज़ें भी वापस आएंगी, एक्शन भी वापस आएंगे, फ्रेम यही वापस आएगा, एक्शन नए नए आते रहेंगे लेकिन फ्रेम तो यही रहेगा, एक्शन बदलते रहेंगे, एक्शन कोई और आएगा और नए एक्शन आएंगे, लेकिन इसी फ्रेम पे सेट होंगे ना, जो पास्ट का फ्रेम है आपके पास है, एक फ्रेम नया और सीखेंगे अगली क्लास में, वो होगा तस्निया का दो का, ठीक है, हमने तो सिंगुलर का वो इंटरमीडिएट में करा लेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ चेंजिंग आएगी तो वो उसमें आपको फर्क पता चलेगा, पहली इसकी क्लास और वो क्लास में फर्क होगा। फिर हम हल्के हल्के जो है ना ये देखेंगे कि आपने ट्रांसलेशन के अंदर तो आप बेहतर हो गए हैं, यानी ये देखें ट्रांसलेशन तो हम सिलसिला बंद नहीं करेंगे, 15 ये ट्रांसलेशन करना ये तो रह गया, अब ट्रांसलेशन के अंदर तो आपका हो जाएगा मामला कि जी हाँ आप कुछ लिख कर दें तो हम उसकी ट्रांसलेशन लिख कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन अब रह गया मामला स्पीकिंग का, जो असल मकसद है जिस पर आना है वो भी हम करवाएंगे फिर क्लास में, फिर ये करेंगे चार का चार के साथ कोई एक छोटा सा टॉपिक देकर इस पे बात करते हैं, सब मिलकर बात करते हैं, एक सेंटेंस में देता हूँ, एक सेंटेंस आप दें, एक सेंटेंस आप दें, इस तरह से इसको किसी तरीके से हम, और इसके लिए सीधी सीधी बात है जितने ज्यादा आपके पास एक्शन होंगे उतने ही इस बात को आप बढ़ा सकेंगे, बात बढ़ेगी एक्शन से, यानी जितने जब आप एक्शन जमा करके लेकर आएंगे बात को बढ़ाएंगे, आप कैसे बढ़ाएंगे बात को, किसी चीज पर भी आप बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आपके पास एक्शन की जरूरत है, वो एक्शन हमें आते रहेंगे, और या पहले उसको एक्शन को देख लें आप, आपके पास 10-15 एक्शन लेकर आएं और फिर उसको पहले साइड पे लगाएं कि इनको मुझे यूज करना है, उन्हें यूज करेंगे तो आपकी बात आगे बढ़ती रहेगी, वो भी करके देखेंगे इंशाल्लाह, ये तो हो जाएगा, लेकिन बनाना आपने कि करना क्या है वो तो मुझे, अब वो चाह रहे हैं जल्दी कि मैं जल्दी इसको फिर अनाउंस कर दूँ कि किस तरह से करना है, मैंने उनको कह दिया कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, आप जब चाहें और टाइम भी आप जैसा चाहें, सिवाय ये कि मॉर्निंग में हम नहीं कर सकते, आप संडे सैटरडे रखना चाहते हैं, आप नाइट शाम का रात का कोई प्रोग्राम मतलब वर्किंग डेज में रखना चाहते हैं या जैसा जी बेसिक की नहीं आप लोगों की भी तो क्या
ऑनलाइन करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी हर चार क्लास के बाद वो तय कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक, महीने में एक क्लास कर ऐसे कर लिया करें, वो फिजिकल कर लें। जी जी ये बता दें आप उनको। और नई क्लास के बारे में क्या कह रहे हैं बताइए साहब, वो किस तरह से होनी चाहिए? बिलाल साहब वो भी ऑनलाइन हो, वो भी सैटरडे संडे ही हो सकती है। वो तो देखेंगे वो चल रही है, तो फिर उसके साथ एक बार शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा सही। तो आप लोग में से कौन कौन मतलब है, चार है क्लास, सब हैं सब शामिल, या कोई कह रहा है कि बस नहीं? ये तो आप बदामी सब ले लेना, सबके कितने लोग हो रहे हैं? कोई मुनकर मुनकर नहीं। अच्छा दो एक कोई एक आज कौन नहीं है, सब मौजूद है मेरे ख्याल में, एक कोई और है नहीं है, कोई एब्सेंट कौन? दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं है। कौन तीन नहीं है? रजुल है, एक तो रजुल है नहीं, एक एक वो मलीर कैंट से जो आ रहे थे, क्या नाम है सर, आज नहीं आए आप? मलीर कैंट से जो आ रहे थे, कब से नहीं आ रहे? पिछली पिछली क्लास में भी नहीं थे। डेढ़ साल की कौन कर रहा है? दो महीने दो महीने का दो किताबें लेकर चलेगा, उसके बाद एक और एडवांस भी नाम रख देंगे ना, लगा नहीं करना चाहते एडवांस? आप पीएचडी नहीं करना चाहते, आप मैट्रिक स्कूल करके खत्म करना चाहते हैं? तो उसमें चार टोटल होगी, उसमें चार लेवल है ना आपके पास? जी चार लेवल, दो लेवल खत्म हो जाएंगे, दो और रह जाएंगे, चार हो जाएंगे, चार के और नहीं करें वो चार, फिर आप करना चाहें जो करना चाहें कर लें। उस महत्व में बाद में ऐसे भी आएंगे जो आप कर लेंगे ना, ये देखिए इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर ग्रुप जो है ना, ग्रुप में तो कोई वो नहीं होता, मसला नहीं होता, क्योंकि ग्रुप चल रहा होगा हमारे पास, ठीक है, जिसने ये दो किया हुआ होगा तो उसको कोई दो में से तीन आ रहे हैं उसके अंदर, तो हम उस ग्रुप के अंदर उसको शामिल कर लेंगे। दो महीने में किस तरह से? आठ घंटे नहीं होंगे, बारह घंटे कैसे होंगे? डेढ़ घंटे वाली क्लास जो है वो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएंगी। सोलह क्लास है ना भाई, नहीं दो दिन हो रही ना, 6 घंटे हो गए। अब ये डेढ़ घंटे पे जा रहे हो, एक वो है तो 4 हो जाएंगे, आधा हो गया ना, दो दिन होंगे ना, डेढ़ घंटे डेढ़ घंटे 32 हो जाएंगे ना, 32 हो जाएंगे, 32 देखिए हर 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 किताब जो है ना वो 10-10 चैप्टर के ऊपर 20 चैप्टर होंगे ना, ज्यादा ज्यादा 20 चैप्टर होंगे, फिर एक चैप्टर भी हम निकाल लेते हैं, एक क्लास में चैप्टर हो जाएगा। और फिर किताब खत्म करना मकसूद नहीं होना चाहिए उसके, किताब तो हमें थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सपोर्ट करेगी, मैं मकसद ये है कि हमें करना क्या है उसके अंदर, जो हम आगे बढ़ेंगे ना पीछे तो नहीं जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या चीजें सीखेंगे उस किताब से भी कुछ। हाँ वो किताब जितनी भी हो जाए, अब जैसे ये किताब थी दो था, दो तो नहीं कंप्लीट हो रही, इसको भी हम कवर कर लेंगे कहीं ना कहीं।
कर लो, अल्लाह ताला बरकत दे रहा है। करेंगे ये गैप के लेवल वो रिजलन साहब तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ इस क्लास के अंदर, और दफा मैं ये कह रहा था क्या हुआ उनका मसला? नहीं नहीं वो तो कह रहे थे मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें अपनी, ये इसी को देख रहा हूँ। कब आएंगे? इम्तिहान के बाद कल लेकर आ जाए। मैंने उनसे कहे भाई आ तो जाए, अली भाई ने इम्तिहान से डरा दिया। इम्तिहान से नहीं घबराए, उनसे कहना इम्तिहान से नहीं घबराए, कहना कहना इम्तिहान से नहीं घबराए, अली भाई के बराबर में बैठाएंगे आप। इनके बराबर में बैठेंगे ना, हाँ जान देने के लिए इनके बराबर, उसके पास सारी मालूमात है। नहीं नहीं इंशाल्लाह देखें ये नंबर उम्र तो खैर कोई चीज नहीं, आप ये देख बस इसके देखें कि आपको कुछ आया या नहीं आया। कुछ ही आया, इसमें किस किस पे टिक करेंगे ये देखें भाई, ये लिस्ट आपके सामने है, आप मुझे बताएं ना ये पढ़ा है ना हमने इसमें, अब कल आप ये बताएंगे ये आपके पास होनी चाहिए, कल आप मुझे बताएंगे मैं एक एक करके पूछूंगा ये डेज कंप्लीट सेट है, मैं हो सकता पूछूंगी इसमें से चीजें तो मुझे खत्म करना, ये है सब कुछ जो कुछ पढ़ा। अब जो अगली क्लास होगी इसमें तो ये नहीं होगा, इससे बढ़कर चीजें होंगी, और ये भी ये रिपीट होती रहेंगी चीजें, ये आज रहेंगी प्रैक्टिस होगी क्या कहेंगे आप? 3:20 हो रहे हैं जी, सात तलाता वसुलस 3:20 हो रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, मैंने ये तो टाइम को मैं कल करता हूँ ना चीजें कि चेक ये कि एक एक करके मैं ऐसे करूंगा सारी चीजें चेक करूँ, ठीक है अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तैयारी कराओ तैयारी कराओ तैयारी के लिए। शर्मिंदगी वाली बात तो 18 तारीख को होगी, वो छुपी हुई होगी, वो 18 तारीख आगे चले जाते बिस्मिल्लाह करें जी। अयना बैतुकुम या इख्वान, अयना बैतुकुन्ना या अखवान, आप सबका घर कहाँ है ए भाइयों। अब इसको मोनस में चेंज किया तो ये हो गया आप सबका घर कहाँ है ए बहनों। अब अगर ये कहना है अईना अखूकुम या इख्वान, ए भाइयों आप सबके आप सबका भाई कहाँ है, अईना अखूकुम आप सबका भाई कहाँ है ए भाइयों। और अब यहाँ कैसे कहेंगे इसको, अईना अखूकुन्ना, आप सबका, अब ये फीमेल से आप पूछ रहे हैं अईना अखूकुन्ना या अखवात, आप सबका भाई कहाँ है या इख्वान की बजाय या अखवात, ठीक है। अगला जी, अईना मदरसतुकुम या इख्वान, आप सबका स्कूल कहाँ है ए भाइयों। अब आपने पूछना है आप सबका स्कूल कहाँ है ए बहनों, अईना मदरसतुकुन्ना या अखवा, ठीक है जी। अगला है मता इख्तिबारुकुम या इख्वान, आप सबका इम्तिहान कब है ए भाइयों जी। अब आप कैसे कहेंगे आप सबका इम्तिहान कब है ए बहनों, मता इख्तिबारुकुन्ना, तो आप क्या कर रहे हैं कुम को जो है वो कुन्ना में बदल रहे हैं, यही हो रहा है ना, कुम जो है वो मेल के लिए होगा और कुन्ना जो है वो फीमेल के लिए हो जाएगा, कुम सेकंड पर्सन के अंदर मेल के लिए जमा में
और कुन्ना जो है वो सेकंड पर्सन के अंदर फीमेल के लिए हो जाएगा, ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, अटैच प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद है अहादा अम्मुकुम या इख्वान, क्या ये आप सबके चचा हैं ए भाइयों। अब आपने ये फीमेल से ये बात पूछनी है, ए बहनों क्या ये आप सबके चचा हैं। अहादा अम्मुकुन्ना, कुम को कुन्ना करना खाली, अहादा अम्मुकुन्ना या अखवात। चचा आधा ही होगा ना, चचा तो आधा ही रहेगा ना जी। अहादा अम्मुकुन्ना या अखवात। अबैतुकुम करीबुन या इख्वान, क्या आप सबका घर करीब है ए भाइयों। अब यही बात आपने फीमेल से पूछनी है, क्या आप सबका घर करीब है ए बहनों। अबैतुकुन्ना करीबुन या अखवात, ठीक है। फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम या इख्वान, कौन से महीने में आप सबका इम्तिहान है भाइयों। अब ये अगर फीमेल से पूछ रहे, फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुन्ना या अखवात, तो कुम जो है वो कुन्ना में, तो कुम की जमा, कुम जो है कुम किसकी जमा है, का की, और कुन्ना किसकी जमा है, की, ठीक है। इख्तिबारु की, इख्तिबारु कुन्ना, इख्तिबारु का, इख्तिबारु कुम। ये तो थे पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखें, अब यहां क्या कर रहे हैं, अगली वाली एक्सरसाइज में कर रहे हैं। अब जो प्रोनाउन निकल आ रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन निकल आ रहे हैं। देखिए, अब ये पर्सनल प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। आगे देखिए, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं अंता, अंती, अंतुन्ना, अंता और अंतुम। ये कौन से प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ये सेपरेट प्रोनाउन है। देखिए, इसकी भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब अ डैश मुस्लिमुन क्या आएगा यहाँ पे, अंत मुस्लिमुन, ठीक है जी। नंबर टू में क्या आएगा, अ डैश मरीजा, अंति मरीजा तुन, अ डैश तबीबातुन, यहाँ पे क्या आएगा, अंतुन्ना तबीबातुन, आर यू डॉक्टर्स, ठीक है। अ डैश तुजार, अंतुम, अंतुम तुजार, क्या आप सब ताजर हैं। अच्छा जी, अ डैश बिंतुल मुदर्रिसी, अंती, अंती बिंतुल मुदर्रिसी, क्या आप टीचर की बेटी हैं, अंती बिंतुल, और ये अ डैश अखवातु अब्बास, अंतुन्ना अखवातु अब्बास, अ डैश तुल्लाब, अंतुम, अंतुम तुल्लाब, ठीक। ये हो गया, ये तो किसकी प्रैक्टिस थी, सेपरेट, ये सेपरेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रैक्टिस करा रहे हैं अटैच प्रोनाउन की, पोजेसिव प्रोनाउन की। देखिए, सब ये लेकर चल रहे हैं कि सब बार बार इस बात को सब। अब देखें, ये अब इस्तेमाल वो करवा रहे हैं का, कुम, की और कुन्ना, यानी सिंगुलर का है, जमा उसकी कुम है, सिंगुलर की है और इसकी जमा कुन्ना है, ये सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन है। अब देखें, कह रहे हैं इस्तेमाल करें, और देखें कम को और की को और कुन्ना को, ये सब सब अना बैतू कुम। अब यहाँ पे कुम लगेगा इसके साथ, अना बैतू कुम या इख्वान, आप सबका घर कहाँ है, कुम इख्वान है ना, या इख्वान, तो फिर का तो नहीं लगेगा, बई तो कुम होगा, आप सबका घर कहाँ है या इख्वान। अहादा किताबू का, यहाँ पे का लगेगा, किताबू के साथ अटैच क्या लग जाएगा, का अटैच हो जाएगा। अहादा किताबू का या हामिद, क्या ये आपकी किताब है ए हामिद। अच्छा, नंबर थ्री पे सातू जमीलतुन या लैला, क्या लगेगा, सातू की, क्योंकि लैला है ना, सातू की जमीलतुन या लैला, लैला आपकी घड़ी खूबसूरत है। मन अबू कुन्ना, क्योंकि आगे अखवात है, मन अबू कुन्ना या अखवात, तो यहाँ पे कुन्ना लगेगा, मन अबू कुन्ना या अखवात, आप सबके वालिद कौन है ए बहनों। मा इस्मु का, मा इस्मु का या सैयदी, इसके साथ का अटैच हो जाएगा, आप ए जनाब आपका क्या नाम है, और मा इस्मु की या सैयदती, ए मोहतरमा आपका नाम क्या है जी। अ उम्मु कुन्ना, कुन्ना फिल बैत या अखवात, बिल्कुल सही, अ उम्मु कुन्ना फिल बैत या अखवात, क्या आप सबकी मदर घर में है जी। मा अस्माउ कुम, यहाँ पे कुम आएगा, मा अस्माउ कुम या इख्वान, आप सबका क्या नाम है ए भाइयों। तो ये भी अटैच प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गए, पोजेसिव प्रोनाउन भी समझ में आ गए, और पिछली वाली एक्सरसाइज थी वो पर्सनल प्रोनाउन पर थी। अब ये देखें, यहाँ पर आ गए फर्स्ट पर्सन, अब ये फर्स्ट पर्सन की करा रहे हैं, ये तो थी सेकंड पर्सन की,
ये जो पांच नंबर जो था और चार नंबर जो था, ये था सेकंड पर्सन का, ठीक है जी, सेकंड पर्सन का, पर्सनल और पोजेसिव। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर आ गए कि अब आपने, ये तो बहुत ही आसान होता है, नहनु और अना जी, ये सेपरेट प्रोनाउन, डैश मुस्लिमन, अना मुस्लिमन, डैश मुस्लिमन, नहनु मुस्लिमन, डैश मुस्लिमा, अना मुस्लिम, अना मुस्लिमा, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अना है। अच्छा जी, मुस्लिमात, नहनु मुस्लिमात, नहनु भी मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, नहनु मुस्लिमात जी। डैश बनातुल मुदीर, नहनु, नहनु बनातुल मुदीर, हम मुदीर की बेटियां हैं जी। अब क्या आएगा, अना इब्नुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ जी। उसके बाद तुल्लाब, नहनु तुल्लाब, वी आर स्टूडेंट्स जी। अना मरीदा, ये तो बहुत आसान था, यही दे रही है ध्यान, ठीक हो गया, ठीक है। देखें रीड एंड राइट, ये रीड एंड राइट है, अब इसका तर्जुमा आपने करना है जी। करें जी खुर्शीद साहब, पहले वाला करें। ذهب ابي الى القاهره قبل الصبح جی قبل your father went to قاهره my father ابھی ذهب ابي by father went to قاهره last week قبل قبل الصبح before ابھی 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 before last week یا a week before کے جی یا نہیں نہیں my father went to cairo a week ago ٹھیک a week ago ठीक है, यू कर ले या बिफोर अ वीक। कबला उसको जी, कबला के माने क्या है, बिफोर, ठीक है जी। मता खरचता मिनल फसली या मोहम्मद खरचतू बाद बाद क्लास जी। व्हेन डिड यू लेफ्ट फ्रॉम द क्लास ओ मोहम्मद जी, लीव खरचतू, व्हेन डिड यू लीव द क्लास ओ मोहम्मद। तो अरे आई आई लेफ्ट After the lesson, after the lesson, of the three of Umba, मैं सबक के बाद दिखला। तो बादा, अब ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए, बादा और कबला, कबला के माने बिफोर और बादा के माने आफ्टर, और ये दोनों हमेशा याद रखिए मुजाफ होते हैं, ये मुजाफ इस्तेमाल होते हैं हमेशा, क्या इस्तेमाल होंगे, मुजाफ। देखिये कबला उसबुईन, एक हफ्ते पहले, कबला देखे मुजाफ है, उसबुईन मुजाफिल है, इसलिए दो जेर आ रहे हैं। उसबू के नीचे, उसबू के नीचे जेर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुजाफिल है। दर्स के नीचे जेर क्यों आ रहा है, इसलिए कि ये मुजाफिल है, हर्फ जर तो नहीं है ना यहाँ पे, मुजाफिल है, क्योंकि बादा मुजाफ है और दर्स मुजाफिल है, तो ये मुरक्कब इजाफी है। नंबर थ्री करें जी। जी बिफोर अजान, ठीक है जी। अम्मू का, अम्मू की जी, वो आमिना, बिफोर अमन, ठीक है, ही लेफ्ट, इवेंट, हाँ इवेंट, इवेंट जी। ज़हबा क़ब्ल शारिन, यानी वो एक महीने पहले गए हैं जी। आगे जी, तर्जुमा, डिड यू गो टू द रेस्टोरेंट आफ्टर नमाज। नो, आई वेंट टू द रेस्टोरेंट। नो, आई वेंट बिफोर नमाज, बिफोर सलाह, क़ब्ल सलाह, क़ब्ल सलाह, बिफोर नमाज, बाद सलाह, आफ्टर नमाज, ये आफ्टर बिफोर का ही था मसला, ठीक है जी। आई ना लाओ मां ने आपने जो नेगेटिव कहा था वो ला उसमें होता है पास्ट में, ला पास्ट में, मां जो होता है वो प्रेजेंट, नहीं नहीं मां पास्ट में होता है, ला प्रेजेंट, उल्टा कर दिया आपने जी, मां पास्ट में और ला जो है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। मां ज़हबतु और ला अज़हबु जी। अयना ज़हबता या अखी, अब इसको जमा में ले जाए, ए कहां गए थे, अयना ज़हबता, कहां गए ए मेरे भाई, अयना ज़हबतुम या इख़वानी, आप सब कहाँ गए ए मेरे भाइयों, अयना ज़हबती या अख्ती, कह रहे ये हमने पढ़ाया, ये जो पढ़ाया है वो ये था, इसको बॉक्स में जब बंद कर दिया, अयना ज़हबती या अख्ती, आप कहाँ गई ए मेरी बहन, और अयना ज़हबतुन्ना या अख़वाती, आप सब कहाँ गई ए मेरी बहनों, यही तो पढ़ाया है सबक के अंदर। अना ज़हबतु, आई वेंट, और नहनु ज़हबना, वी वेंट, मेन फीमेल,
और जो नए अल्फाज आपने पढ़े थे सबक में वो ये थे, कबल, कबल के माने बिफोर, बादा के माने आफ्टर, कैफा ये क्वेश्चन टूल है यानी हाउ, मता ये भी क्वेश्चन टूल है यानी व्हेन, और अलसबू कहते हैं हफ्ते को, वीक को, और अशहर का माने मंथ, और अलाजान अजान, और असला नमाज, और रजा जो है ये फेल है, एक्शन है, रजा के माने ही लेफ्ट, ही रिटर्न, सॉरी ही रिटर्न, रजा वो वापस लौटा। अब देखें ये दमायर अल मुनफसिला सेपरेट प्रोनाउन, ये सेपरेट प्रोनाउन किसे कहते हैं यानी पर्सनल प्रोनाउन, देखें इस्तेमाल कर रहे हैं, हुआ तालिबुन, देखें ये हुआ इस्तेमाल हो गया, हुआ तालिबुन, ही इज अ स्टूडेंट, अब इसकी जमा क्या हो जाएगी, हुम तुल्लाब, दे आर स्टूडेंट्स, अभी इसकी फीमेल देखें, हिया तालिबतुन, शी इज अ स्टूडेंट, और हुन्ना तालिबातुन, दे आर फीमेल स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थर्ड पर्सन के लिए। अब आ जाए सेकेंड पर्सन, अंता तालिबुन, यू आर अ स्टूडेंट, और इसकी जमा क्या हो जाएगी, अंतम तुल्लाब, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, और अंती तालिबा, यू आर स्टूडेंट, और अंतुन्ना तालिबातुन, यू आर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, ये हो गया सेकेंड पर्सन के, चार और चार आठ हो गए। अब आ जाए फर्स्ट पर्सन पे, अना तालिबुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अना तालिबातुन, अना दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेल एंड फीमेल, और इनकी जमा देख लें, नहनु तुल्लाब और नहनु तालिबात, ये पूरा फ्रेम बना के इन्होंने दे दिया, ये थे पर्सनल प्रोनाउन, उसकी भी प्रैक्टिस करा दी इन्होंने आपसे, ठीक है जी। अब हम सिर्फ एक है ये दर्स सादिस जो है इसे करके और फिर यहीं पर हम इसको एंड कर देंगे, बस ये छठा सबक हम जरूर कर लेते हैं और बस इसी के बाद इसको ये एंड कर देंगे, सातवां सबक हमारा नहीं है, चाहे इम्तिहान में ना आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कर लें, ठीक है, छह सबक कर लें, कोई बात नहीं, पेपर में बन गया नहीं बन गया उसको छोड़ दें, बन गया तो फाड़ के दोबारा बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। अदर्स सादिस, अदर्स सादिस छठा सबक, लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मोहम्मद, टीचर अब आपने नोट करना है कि इस सबक में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये आपने बताना होगा, ये सबक किसी जो सबक ये खोलते हैं उसके अंदर यकीनन ये किसी ने किसी चीज को जो है ना फोकस करते हैं ना, तो आपने ये करना है कि इस सबक के अंदर वो क्या चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, मैं पहले पढ़ लूं इसको, लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मोहम्मद, ये पेन किसके हैं ए मोहम्मद, मैं तर्जुमा कर लूँ फिर आपने बताना है कि इन्होंने किस चीज को फोकस किया है, बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको अंडरलाइन कराता हूँ, आपका अंदाजा हो जाएगा, अंडरलाइन कर रहे हैं हाज़िहिल अक़लाम, ठीक है, चलें, हिया ली या उस्ताद, वो मेरे हैं, हिया ली, वो मेरे हैं या उस्ताद, ए उस्ताद, ठीक है, अब अंडरलाइन करें हिया को, हिया लना, जी हिया तो मेरा नहीं, इसीलिए अंडरलाइन करवा रहा हूँ ना अभी, अब देखें बताना ना आपने, आ जाए हिया जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत हैं, अंडरलाइन करें हिया को, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई किताबें, वाओ के माने एंड हो गया, हादी के माने दिस, और ये नई किताबें, अल कुतुब बुक्स, जदीदा न्यू, और ये नई किताबें, अहिया लक, ये टैग क्वेश्चन आ गया, टैग क्वेश्चन लगा, अहिया लकी, लका क्या वो तुम्हारी है, अहिया लका, अंडरलाइन करें करें पहले अंडरलाइन करते जाए फिर पता चलेगा, हिया को अंडरलाइन करें, हाजी हाजी कुतुब को अंडरलाइन करें, अल जदीदा को अंडरलाइन करें, ठीक है, अब देखें ला ला हिया लि हामिद, नहीं वो हामिद की है, यानी वो लिहामिद लाम या बिलोंग के माने में, यानी वो हामिद की मिल्कियत, वो हामिद की है, तो हिया को फिर अंडरलाइन करें, अइना दफातिरुकुम या इख्वान, आप सबकी नोटबुक्स कहाँ हैं ए भाइयों, दफातिर नोटबुक्स, कुम तो आप सबकी, आप सबकी नोटबुक्स कहाँ हैं या इख्वान, हिया हुना, वो यहाँ हैं अला हाजल मकतब, इस राइटिंग टेबल पर, ठीक है, तो इसको हिया को फिर अंडरलाइन करें, ठीक हो गया, अब मुझे बताएं ये अंडरलाइन को गौर से देखने के बाद मुझे बताएं कि क्या करना चाह, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, किस चीज को फोकस करना चाह रहे हैं इस सबक के अंदर, क्या चीज, यहाँ देखें छोटा सा एक लफ्ज के अंदर आपने बताना है, यहाँ आकिल और गैर आकिल का मसला खड़ा कर रहे हैं, कि यहाँ गैर आकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गैर आकिल का इस्तेमाल हो रहा है,
अब जब गैर अकल का इस्तेमाल होगा तो फिर जमीरें जो हैं वो सारी की सारी सिंगुलर और मोनस इस्तेमाल होगी। यही सिखाना चाह रहे हैं। ये देखें, अब आप देखें, लिमन हादी ही लकलाम, हाउलाई लकलाम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अकलाम जो है वो आकिल नहीं है। अगर यहां होता तुल्लाब तो फिर हम कहते लिमन हाउलाई तुल्लाब, हाउलाई आ जाता। चूंकि अकलाम है और अकलाम है तो हाउलाई नहीं आएगा, लिहाजा क्या आएगा? और क्या आएगा? हमने क्या कहा था, गैर आकिल जमा में जब चला जाए तो उसके साथ चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे प्रोनाउन आए, चाहे इसमें इशारा आए, कोई भी चीज आएगी वो क्या आएगी? मोनस फीमेल और सिंगुलर, ठीक है जी, मोनस आएगी। देख ले हाजी ही, ये जबकि हाउला इस्तेमाल होना चाहिए, हाजा क्यों नहीं हुआ? हमने कहा ना कि हर चीज जब जमा में चली जाती है तो मोनस हो जाती है। जब ये जमा में चला गया कलम तो ये मोनस हो गया। अब मोनस होने के साथ इसके साथ क्या लगेगा? हाजी ही लगेगा। हाउलाई क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि कलम जो है वो आकिल नहीं है, इंसान नहीं है, ठीक है। ये सिखाया। आगे देखें, हिया ली या उस्ताद, ये नहीं कहा हाउलाई ली, नहीं, क्यों नहीं कहा हाउलाई? क्योंकि हिया से मुराद क्या है? अकलाम है, अकलाम है प्लूरल। और तो हिया से मुराद, अगर मैं यहाँ हिया हटा दूं तो क्या रखूंगा? अल अकलामु ली या उस्ताद। तो अब हिया जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है? अकलाम के लिए। अकलाम जो है वो आकिल नहीं है, लिहाजा हिया इस्तेमाल होगा। अब देखें कहाँ और अंडरलाइन किया था, हिया जमीलतुन जिद्दा, यहाँ भी हिया किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अकलाम के लिए। हिया को हटाएं यहाँ से तो क्या रखेंगे अब? अल अकलामु जमीलतुन जिद्दा, ये कहेंगे ना। तो हिया देखा गया, अब हिया आएगा, ये नहीं आएगा हाउलाई। क्यों? इसलिए अकलाम जो है आकिल नहीं है। अब आ जाए जमीलतुन, देखें देखें मोनस आएगा, जमीलुन नहीं आएगा। क्यों भाई, जमीलुन क्यों नहीं आएगा? हमने कहा था कि जब भी कोई नाउन जो कि गैर आकिल है अगर जमा में चला जाता है तो मोनस हो जाता है, लिहाजा जमीलुन नहीं आएगा, जमीलतुन आएगा। देखें ठीक हो गया, ये जमीलतुन यूँ आया क्योंकि अकलाम कलम, हाँ हाँ, या अगर कलम होता तो हम कहते हादा कलमुन जमील, लेकिन अकलाम आ गया। अब अकलाम सिंगुलर में मुजक्कर था, जमा में जाते ही मोनस हो गया। हर मुजक्कर गैर आकिल, नॉट आकिल, गैर आकिल जब जमा में चला जाता है, इससे मतलब क्या है? इंसान नहीं, ह्यूमन बींग के अलावा जो भी नाउन, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मोनस हो सिंगुलर के अंदर, जब वो जमा में चला जाता है मोनस हो जाता है, ठीक है। कुत्ता मुजक्कर है, कुत्ते मोनस हो गए। किताब मुजक्कर है, किताबें मोनस हो गया। कलम मुजक्कर है लेकिन अकलाम मोनस हो गया। कोई भी नाउन, अच्छा जो अगर वो मोनस सिंगुलर में मोनस था तो जमा में जो कि वैसे ही मोनस रहेगा, वो तो है ही, ठीक जी। हाँ हाँ, तो ऐना कुतुबी, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐना कुतुबी, मेरी किताबें कहाँ हैं जी? ये तो ये हो गया, कुतुब जो है वो मोनस हो। अब मैं ये कहूंगा हाजी ही कुतुब, मैं ये नहीं कहूंगा हादल कुतुब, हाजी ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि किताब तो मुजक्कर है, किताब के साथ तो मैं हादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, हादा किताब, हादा किताबुन, ठीक है। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? हादा जवालुन। लेकिन जब मैं इसको जमा में ले जाऊंगा, जवालात कर दूंगा, तो फिर मैं क्या कहूंगा? हादी ही जवालात, हादा कलमुन, ठीक है चलेगा, हादा कलमुन। लेकिन जब मैं इसको जमा में ले जाऊंगा और कहूंगा अकलाम, तो मैं फिर ये नहीं कहूंगा फिर कहूंगा हादी ही अकलामुन। अच्छा हाउलाई कहूंगा नहीं, क्यों? हाउलाई के माने दीज है ना, आप इंग्लिश में तो दीज कह रहे हैं ना, दीज का तर्जुमा तो हाउलाई होना चाहिए। हाउलाई यू नहीं कहूंगा, हाउलाई सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जगह हाजी इस्तेमाल होती है। यही तो बताना चाह रहे हैं इस सबक के अंदर, ये सब पढ़ चुके आ चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं आपको। आगे चलें, हर गैर आकिल मुज़क्कर वो जमा होने की सूरत में मोनस हो जाएगा, मोनस सिंगुलर, मोनस हो जाएगा और उसके साथ नहीं, वो तो मोनस हो गया, सिंगुलर नहीं, वो मोनस हो गया। अब उसके साथ एडजेक्टिव हो, चाहे उसकी प्रेडिकेट हो, चाहे उसके साथ इसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे उसके साथ कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो रही हो, वो सब की सब क्या आएंगी? वाहिद आएंगी, सिंगुलर आएंगी और मोनस आएंगी, सही है। यानी प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होगा तो ही आएगा, ठीक है। अगर इसमें इशारा इस्तेमाल होगा तो हाजा नहीं आएगा, हाजी ही आएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है तो जदीद नहीं आएगी, जदीदा आएगी।
हर चीज जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर, जुदुद नहीं आएगी और जदीद भी नहीं आएगी। जुदुद तो जमा है ना, जुदुद यूं नहीं आएगी कि वो आकिल नहीं है, और जदीद यूं नहीं आएगी कि मोनस मोनस हो जाता है वो जाकर जमा में, तो जदीद आएगी। एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे इसमें इशारा हो, कोई भी चीज हो, कोई प्रोनाउन हो, वो क्या हो जाएगा, वाहिद और मोनस। प्रोनाउन इसमें इशारा, ठीक है, और अल्लज़ी अल्लती, अगर अल्लज़ी अल्लती कहीं आ जाएगा तो वो अल्लती हो जाएगा। ये सारी चीजें जो भी चीजें होंगी ना वो सिंगुलर आ जाएंगी और मोनस हो जाएंगी। यहाँ वो नोट करते चले जाए, देख लें अगली वाले में देखें। वह हाजील कुतुब, अब देखें यहाँ पे क्या है, कुतुब है ना गैर आखिल, इसमें इशारा क्या आया, देखें अभी इसमें इशारा आ रहा है हाजी, तो इसमें इशारा मोनस हो गया नहीं हो गया, अब यहाँ पे कौन मोनस हुआ है, इसमें इशारा मोनस हो गया, हाजी ही हो गया, हाउलाई नहीं हो रहा ना, हाजा भी नहीं हो रहा, हाउलाई भी नहीं हो रहा, हाजी हो गया। अब आ जाए अलजदीदा, अलजदीदा क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो देखें अलजदीद नहीं हो रहा, अलजुदुद नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जुदुद यूं नहीं हो रहा है, किताब जो है वो इंसान नहीं है, ठीक है, कुतुब जो है वो इंसान नहीं है। अच्छा जी, तो जदीद क्यों नहीं हो रहा, जदीद यूं नहीं हो रहा है कि कोई भी नाउन गैर आकिल जब जमा में चला जाता है तो वो फीमेल हो जाता है, तो जदीद तो आ ही नहीं सकता, तो फिर रह क्या गया, जदीदा, देखें आ गया अलकुतुबुल जदीदा, हाँ किताब होता तो कहता अल किताबुल जदीद, लेकिन कुतुब के साथ क्या होगा, जदीदा। आगे देखें प्रोनाउन को भी देख लें, ये आप ये ना जो सवाल किया था वो सब आ गया, अब प्रोनाउन को भी देख लें, प्रोनाउन क्या आ रहा है, हिया, हुआ नहीं आ रहा है, हुम नहीं आ रहा, हुम आना चाहिए था ना, जमा है ना तो हुम आना चाहिए था, या हुन नहीं, हिया, प्रोनाउन भी सिंगुलर आ रहा है और मोनस आ रहा है, तो देखिए ये प्रोनाउन है, हाजी जो है ये इसमें इशारा है, और जदीदा जो है ये एडजेक्टिव है, सब की सब क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है, और इसलिए मैंने सबको अंडरलाइन करवाया था। आगे चले ला हिया लि हामिदिन, देखिए फिर हिया आ गया, हिया से मुराद क्या है, अलकुतुब, भाई अलकुतुब था तो हुम होना चाहिए था ना, जमा है ना तो हिया की जमा हुन्ना होना चाहिए था ना, नहीं ही आएगा, देखिए फिर नीचे भी अली हिया होना, फिर ही आ रहा है, हुन्ना नहीं आ रहा, हुम नहीं आ रहा, ये था सब कुछ। अब फिर ये कहते हैं कि जब तक अंदर तक ना बिठा देना, बता दिया, बताने के बाद भी अभी खामोश नहीं हुए, नहीं समझ में आया आपके, नहीं आया, फिर बताता हूँ, फिर बता रहे हैं वो, देखें तामल के माने क्या है, गौर कीजिए, अब ये गौर करवा रहे हैं, अब देखें आपको ऐसी मिसालें दे रहे हैं ताकि अगर ऊपर नहीं समझ में आया है ना तो अब समझ में आ जाएगा, देखें अब समझ में आ जाएगा। अब वो दोनों को रख रहे हैं, आकिल को और गैर आकिल को, देखें पहली वाली दो मिसालें जो है ना उसके आगे लिख दें आकिल, आखिरी वाली बे वाली दो मिसालें लिख दें उसके नीचे लिख दें गैर आकिल। अब देखें आप नोट करें, अब देखें नोट करें आप, इसके अंदर तामुल के माने गौर कीजिए, नोट कीजिए, देखें क्या नोट कर रहे हैं, मुफरत के माने क्या होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर में आप क्या कह रहे हैं, हाजा तालिबुन जदीदुन, ऐसे ही कह रहे हैं ना। अब आ जाए बे के अंदर, किताब के साथ भी आप क्या कह रहे हैं, हाजा किताबुन जदीदुन, कोई फर्क हो रहा है, कोई फर्क नहीं हो रहा। देखें तालिब जो है वो आकिल है, उसके साथ भी अब हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, किताब जो है वो गैर आकिल है, उसके साथ भी आप हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तालिब जो है वो आकिल है, उसके साथ भी आप एडजेक्टिव जदीद इस्तेमाल कर रहे हैं, किताब जो है वो गैर आकिल है, उसके साथ भी जदीद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए जमा में आ जाए, हाउलाई तुल्लाबुन जुदुद, अब इसमें देखें हाउलाई तुल्लाबुन, दीज आर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, यही तर्जुमा होगा ना, हाउलाई दीज आर न्यू स्टूडेंट, तुल्लाबुन जुदुन जुदुदुन। अब आप इसको नीचे से देखें, अब इसको चेक करें, देखिए हाउलाई वहां पे इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे देखें अंडरलाइन कर दिया, हाउलाई इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, हाजी, क्यों भाई हाजी क्यों, हाउलाई क्यों नहीं हुआ, ये भी तो जमा है, तो कह रहे हैं कि कुतुब जो है यहाँ पे गैर आकिल है और वहां पे तुल्लाब आकिल है, तो हाजी कुतुब, और देखें वहां जुदुद इस्तेमाल हुआ, इसको फिर देखें अंडरलाइन कर दिया, देखें यहाँ पे जुदुद इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, जदीदा, हाजी कुतुबुन जदीदा, दीज, अच्छा इंग्लिश में आप एक ही तर्जुमा कर रहे हैं आप, दीज आर न्यू बुक्स, और वहां भी आप यही तर्जुमा कर रहे हैं, दीज आर न्यू स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आप कोई भी फर्क नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क कर रहे हैं, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं हो रहा है, उसका भी तर्जुमा आप दीज कर रहे हैं, यहाँ भी दीज, लेकिन यहाँ ये अरबी में फर्क कर रहे हैं, ये हाउलाई नहीं लगा रहे, यहाँ पे जुदुद नहीं लगा रहे, ठीक है। अब इसका देखें, ये एक नया स्टूडेंट है, हुआ मिन अमेरिका, वो अमेरिका से है,
हाउलाई तुल्लाब उन जुदद हुम मिन अमेरिका, देखिए जमा इस्तेमाल हो रहा है, हुआ इस्तेमाल हुआ, जमा के अंदर हुम इस्तेमाल हुआ, जी हाँ हुआ। अच्छा यहाँ पर भी देख लें, मुफरत के अंदर तो हुआ इस्तेमाल हुआ, कोई फर्क नहीं आ रहा है, सिंगुलर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, फर्क कहाँ आता है, जमा में आता है। देखिए अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, कह रहे हैं ये नई किताबें हैं, और ये नई किताबें कहाँ की हैं, अमरीका की हैं, तो इनको क्या कहना चाहिए था, ऐसे ही कहना चाहिए था ना, हुम इन अमरीका कहना चाहिए था ना, लेकिन हुम नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये गैर आकिल है, गैर आकिल के साथ जमा की प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगी, जमा का की एडजेक्ट, जमा एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं होगी, जमा इसमें इशारा इस्तेमाल नहीं होगा, ही अमीन अमरीका होगा, वहां देखे था हुम मिन अमरीका, यहाँ पे ही अमीन अमरीका। ठीक है, अब समझ में आ गया, कहते हैं अगर ये नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ गया, कह रहे हैं अगर नहीं, अब वो नहीं, फिर भी आपकी बात पे यकीन नहीं करते हो, कहते हैं अब हम एक्सरसाइज देकर चेक करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज देंगे आपको और फिर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं, ये जो जमा ले, अब यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, आपको जमा भी दे रहे हैं हल्के, देखिए ऐसी डोज देते हैं ये, ऐसी इन्होंने हाथ के हाथ जमा भी दे दी, तो जमा भी दे दो इनको सिंगुलर की, और साथ साथ जो हमें काम करने जा रहे थे कि सारी गैर आकिल जमाएं दे दी, अब इनके साथ देखते हैं कि ये हाउला इस्तेमाल करते हैं, हाजी इस्तेमाल करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। हादा बैतुन, ये घर है, अब देखिए जमा में जाके आप हाउलाई बुयूतुन नहीं कह सकते, हाजी बुयूत, जबकि सफा 18 जो था, 17 और 18 के अंदर आप जब जमा में जा रहे थे क्या कर रहे थे, हाउलाई, वहां की जमा में आप हाउलाई लगा रहे थे, यहाँ नहीं लगा रहे, हादी ही बुयूतुन, ये नहीं कहेंगे हाउलाई बुयूतुन। ठीक है, दीज आर, देखिए बैत जमा है, वो है मुजक्कर है, हादा लग रहा है, लेकिन जमा में जाते ही वो मोनस हो गया, हादी ही बुयूतुन। अब देखें हादा नजमुन, हादा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हादा नजमुन, दिस इज अ स्टार, लेकिन नजम जब जमा में गया, हादी ही नजूमुन, दीज आर स्टार्स, ठीक है, तो जमा भी मिल गई नजम की। आगे चलें, हादा दरसुन, ठीक है, आप क्या कहेंगे, हादी ही दुरूसुन, दीज आर लेसन, हादा कलमुन मुजक्कर है, लेकिन देखें हादी ही अकलामुन, दीज आर पेन, हादा बाबुन, हादी ही अबवाबुन, हादा नहरुन, नहर के माने रिवर दरिया, हादी ही अनहारुन, नहर की जमा क्या है, अनहार, हादा जबलुन, जबल किसे कहते हैं, माउंटेन, पहाड़, हादी ही, देखें हादी ही हो जाएगा, हादी ही जिबालुन, ना तो हादा जिबालुन होगा ना हाउलाई होगा जी, हादा कलबुन, दिस इज अ डॉग, हादी ही किलाबुन, दीज आर डॉग्स, हादा बहरुन, ये समंदर है, और हादी ही बिहारुन, ये समंदर है, हादा किताबुन, ये किताब है, और हादी ही कुतुबुन, किताब की जमा क्या है, कुतुब, हादा हिमारुन, और क्या हो जाएगा, हादी ही हमुरुन, ये भी गैर आकिल है, हमुर, ये जी डोंकीज हैं, और एक जमा हमने हमुर की, हमीर की, हमार की और भी पढ़ी थी, वो क्या थी, अमीर, आप ये हमीर भी कह सकते हैं, हादी ही हमीरुन, ये आपको याद है, पढ़ाए दो जमाएं हैं इसकी, एक हमीर भी है, हादा सरीरुन, सरीर के माने बेड, ये बेड है, हादी ही सुरुरुन, सुरुर शरीर की जमा, और ये कुरान के अंदर भी आया, व सुरुरुम मरफुआ व अक्वाब मौदुआ व नमारिक मसफूफा व ज़राबी मफसूसा, अब ये कुरान की आयत है जी, तो सुरुर जो है वह शरीर, हादा दफ्तरुन, ये नोटबुक है, दफ्तर नोटबुक को कहते हैं, दफ्तर ऑफिस को नहीं कहते, यहाँ पे नोटबुक है, तो अब किसी जमा क्या हो जाएगी, हादी ही दफातरुन, ये नोटबुक्स हैं, हादा मकतबुन, ये राइटिंग टेबल है, हादी ही मकातिबुन, ये राइटिंग टेबल्स हैं, हादा फुंदुकुन, फुंदुक किसे कहते हैं, होटल, ये होटल है, और हादी ही फनादिक, ये होटल्स हैं, हादी सा, अच्छा देखिए यहाँ आप क्या किया इन्होंने, यह बताया कि देखिए सा तो मोनस है ना, तो के साथ तो हाजी इस्तेमाल होगा, जमा में तो जमा में भी इसके साथ हाजी इस्तेमाल होगा, हादी ही सातन, हाउलाई नहीं होगा, हादी ही सातन, ये घड़ियां हैं, हाजी सैयारतन, ये मोनस है, सिंगुलर में भी मोनस है, जमा में भी जाके मोनस ही होगा, हादी ही सैयारतन, ये सब जमा आ गई आपके पास, हाजी तायरतन, तायरा किसे कहते हैं, प्लेन, ये जहाज है, हादी ही तायरतन, ये जहाज है। अब एक यहाँ पे एक साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम कर लें, थोड़ा सा तायर को तायरा कहते हैं जहाज को, और तायरा में से अगर राउंड से निकाल दें आप तो ये क्या 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 कहलाएगा, तायर, तायर के माने परिंदा, ये भी साथ साथ आ जाए ना, तायर के माने परिंदा। अब इनकी जमा में फर्क है, जमा का फर्क देख लें, तायर, तायरा की जमा तो थी तायरात,
वो देखें जमा लिखी हुई आगे सामने, लेकिन तायर की जमा क्या होगी? तायरा नहीं, तायर की जमा है तुयूर, ते ये वाओ रे, कौन ये, इसके माने परिंदे, तुयूर के माने परिंदे और तायरात के माने यानी तायरा की जमा हवाई जहाज की जमा, ठीक है जी। तो जमा में तो फर्क नजर आ रहा है और सिंगुलर में क्या फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ राउंड टे का फर्क नजर आ रहा है। जालिका नजमुन, इसी तरह से एक और मैं लफ्ज आपको बताऊं, एक है अब्द, अब्द के माने क्या है, बंदा, और उसकी जमा क्या है, इबाद, इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदे, और एक अब्द है जिसकी जमा है अबीद, वो अब्द जिसकी जमा अबीद है उसके माने होते हैं गुलाम के, अब्द के माने गुलाम, उसकी जमा क्या आएगी, अबीद, और अब्द जिसके माने बंदे के हैं उसकी जमा क्या आएगी, इबाद। तो जब हम किसी का नाम रखते हैं अब्दुल नबी तो उसका मकसद तो बहुत गलत हो जाएगा ना, नबी का तो बंदा नहीं हो सकता, वो उसका मतलब होता है गुलाम नबी, यानी गुलाम नबी का तर्जुमा अरबी में क्या होगा, अब्दुल नबी। गुलाम रसूल का तर्जुमा क्या होगा अरबी के अंदर, अब्दुल रसूल, यानी गुलाम रसूल, ठीक है। क्योंकि अगर अब्द का तर्जुमा बंदे का लेंगे तो फिर तो ये नाम गलत हो जाएगा, तो ये फिर यहां माने गुलाम के लिए जाएंगे। जब अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो फिर उसके माने बंदे के लिए जाएंगे, अब्दुल्ला, अब इसके माने लिए जाएंगे अल्लाह का बंदा, अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा, अब्दुल अजीज, अजीज का बंदा, अब्दुल कुद्दूस, कुद्दूस का बंदा। लेकिन जब इसकी निस्बत इंसान की तरफ की जाएगी तो इसके माने गुलाम के हो जाएंगे, अब्दुल नबी, गुलाम नबी, अब्दुल रसूल, गुलाम रसूल, ठीक है, अब्दुल अब्बास, गुलाम अब्बास, ये हो जाएगा दोनों। फिर अब्द के माने और इसकी जमा में फर्क आ जाएगा, अब्द जिसके माने बंदे के होते हैं उसकी जमा होगी इबाद, और अब्द जिसके माने गुलाम के होंगे उसके माने उसकी जमा हो जाएगी आबीद, आइन बे ये दाल। तो अब्द कहते हैं गुलाम को, और मोनस में, मोनस में क्या कहते हैं, बांदी को क्या कहते हैं, अमा, अमा के माने बांदी, ठीक है जी, और अब्द के माने गुलाम। अब कह रहे हैं जालिका नजमुन, तो ये हो जाएगा तिलका, हाँ ये क्या हो जाएगा, तिलका नुजुमुन, देखें जालिका जो है वो तिलका में चला जाएगा, तिलका नुजुमुन, और तिलका सैयारतुन, ये हो जाएगा तिलका सैयारातुन, ठीक है, ये तो हो गई। अब ये कह रहे हैं हाजा और हाजी और हाउलाई की को इस्तेमाल करके दिखाएं, यहाँ पे हाजा इस्तेमाल होगा, कहाँ पे हाजी इस्तेमाल होगा, कहाँ पे हाउलाई होगा, जी जल्दी से तेजी से करें, डैश रजुलुन, हाजा रजुलुन, डैश रिजालुन, नहीं नहीं भाई हाजी के इंसान है भाई, हाउलाई रिजालुन, जी डैश कल्बुन, हादा कल्बुन, ये लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है, इनको इस्तेमाल करना, हादा हाजी हाउलाई, ये है थी जी, डैश किलाबुन, हादी किलाबुन, यहाँ पे हादी इस्तेमाल होगा, जी डैश दुरूसुन, हाजी दुरूसुन, डैश मुदर्रिसुन, हाउलाई मुदर्रिसुन, देखे इन्होंने मिक्स कर दिया। अब ये मुस्तकिल आपका इम्तिहान ले रहे हैं, यानी देखें एक तरीके से वही जो सबक पढ़ाया ना उसी को ये एक्सरसाइज में गौर करा के हर तरह से बार 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 यहाँ तक के आपके जहन में बैठ गया, जी दुरुस असबाक, असबाक, जी हाउलाई मुदर्रिसून, हाउलाई यहाँ पे हाउलाई आएगा, हाउलाई मुदर्रिसून नंबर सिक्स में, नंबर सेवन में क्या आएगा, नहीं भाई अफवात है ना, नंबर सेवन अफवाती है, हाँ तो हाउलाई मेरी बहने, अखवाती हाउलाई उख्त की जमा है ना, अखवात उख्ती थोड़ी है, अखवाती, दीज आर माय सिस्टर्स, हाउलाई है इंसान है ना, जी आठ में हादी आएगा, यहाँ पे हादी अकलामुन, किताब के अंदर हादा किताबुन, सैयारात में हाजी सैयारातुन, सैयारा में हाजी सैयारातुन, और हिमार में हादा हिमारुन, एक है ना हादा हिमारुन, और कुतुब में हादी कुतुब, सब मिक्स कर दिया है इन्होंने, सारी मिक्स प्लेट बना दी है ताकि देखते हैं, चेक करते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं करते, कहीं वो आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप आउट नहीं हुईगा, जी हमर में हादी हमर, ये जमा है हिमार की, हादी हमर, आइन के अंदर देखें यहाँ पे भी चक्कर दिया उन्होंने,
अब एकदम वहां लेकर गए, कहां पे लेकर गए कि जो जिस पार्ट बॉडी के अंदर जो डबल दो पार्ट दो होते हैं वो मोनस होते हैं, देखें कहां ले गए इसको उठा के। अब ये करते क्या है यहाँ पे, ये देखना चाह रहे हैं वो। हादी हमें फौरन वाला सबक याद आ जाएगा, आइन जो है वो दो होती है, दो दो है लिहाजा मोनस है, जो बॉडी के अंदर दो है वो मोनस है। हादी आइन जी तबीबतुन, हादी ही तबीबतुन फीमेल डॉक्टर, तबीबातुन हाउलाई आएगा यहाँ पे, हाउलाई तबीबात, ठीक है जी। अब इन्होंने हादा हाजी हाउलाई की तो प्रैक्टिस करवा दी, अब कह रहे हैं जरा जालिक का तिलका और उलाई का डालना इसी तरह से जी। अब डैश तालिबुन, हाँ बस दिस ऑफ दैट, अब दैट के साथ लगाए क्या कह रहे हैं, तालिबुन जालिक का तालिबुन जी, तुल्लाबुन उलाई का तुल्लाबुन, दोज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। नजमुन तिलका, तिलका क्यों भाई, नजमुन मुजक्कर है, जालिका नजमुन जी, नुजूमुन यहाँ तिलका आएगा, नजम की जमा गई नुजूम, तो अब ये जमा में चला गया, जमा में जाके मोनस हो गया, तिलका नुजूमुन जी, बिंतुन तिलका, तिलका बिंतुन, बनातुन उलाइका, हाँ ये आकिल है इसलिए उलाइका बनातुन, दर्राजातुन तिलका दर्राजातुन, दर्राजातुन तिलका, तिलका उलाइका तो नहीं हो सकता ना, तिलका दर्राजातुन, और शरीरुन तिलका, तिलका क्यों होगा भाई, दालिका शरीरुन बेड, दालिका शरीरुन, और सुरुरुन तिलका सुरुरुन, ये जमा में चला गया, दजाजतुन तिलका, तिलका दजाजतुन, और मुदर्रिसतुन तिलका मुदर्रिसतुन, दैट इज अ टीचर, फीमेल टीचर। अब ये सब वही प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब वही चल लेकर चल रहे, देखें हादा बैत, अब क्या, अब क्या जी, मुदर्रिसातुन हाउलाई मुदर्रिसातुन, हाजुन जालिका, जालिका जालिका हाजुन, एक हाजी है, और हुज्जाजुन उलाई का हुज्जाजुन, ठीक है हाउलाई, उलाई का पढ़ा रहे ना अभी, हाउलाई दोस्त की करा रहे ना, मस्जिदुन अब इन्होंने आपको तावीज बना के दे दिया, जो हमने पढ़ाया इतनी देर तक, ये रहा वो, ये बॉक्स के अंदर है बस, ये देखें यहाँ कर दिया उन्होंने, और ये लिख भी दिया उन्होंने आगे, ये आखिल वाले हैं, ये ऊपर वाले आखिल वाले हैं, ये नीचे वाले गैर आखिल वाले हैं, चार बॉक्स बना के दे दिए, जितना कुछ पढ़ा था ये चार बॉक्स के अंदर जमा कर दिया उन्होंने। दैट इज हाजी, एक एक हाथ वो तो हुज्जाज होगा ना, जमा अच्छा देखो, अब देखें आखिल को देख लें, ये बॉक्स, ये आखिल का बॉक्स है, एक जो है वो नियर का है और एक फार का है, ये नियर का है, हाजा तालिबुन हाउलाई तुल्लाबुन, हाजी तालिबतुन हाउलाई तालिबातुन, ये तो हो गया, ये किसका हो गया, हाजा हाजी का। अब ये देखें, जाली का तालिबुन उलाई का तुल्लाबुन, तिल का तालिबतुन उलाई का तालिबात, ये तो हो गया आकिल का बॉक्स, यही बनाया था, यही पढ़ाया था ना तक, अब नीचे आ जाए, ये गैर आकिल का हो गया, हाजा बैतुन हाजी बुयूतुन, हाजी सैयारतुन हाजी सैयारातुन, यहाँ पे देखें हाउलाई नहीं लगा, जालिका बैतुन, अब देखें तिल का बुयूतुन, उलाई का बुयूतुन नहीं कह रहे, तिल का सैयारातुन, तिल का सैयारातुन, ये था टोटल सबक, ये जो सारा सबक था ये इन दो बॉक्सों के अंदर, चार बॉक्स के अंदर बन गया, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये चार बॉक्स देख लें पूरे, इतने 15-16 सफे पढ़ाए थे वीडियो के साथ, सब यहाँ बंद कर दिए हैंड बजा के, ये पढ़ाया है हमने आपको, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में जाके समझ लें, फिर भी देख रहे हैं, मौका दे रहे हैं आपको, इंग्लिश में जाके समझ लें, और जो नए अल्फाज हमने पढ़ाए थे वो ये रहे, देखिए नहर किसे कहते हैं, रिवर, और बहर के माने सी, और फुंदुक के माने होटल, और तायरा के माने प्लेन, और यहीं पर हम जो है पेज नंबर 54 लिख लें, यहीं तक हमने पढ़ा है बस, और इसके बाद अद्दुस्साबे जो है वो इंशाल्लाह ताला जब हम अगली क्लास कोई करेंगे तो उसके साथ शामिल कर लेंगे। तो हमारे पास ये टोटल सबक इसके अंदर इस किताब में कितने थे, 13 सबक थे, यानी आधी किताब हमने कर ली, एक तरीके से आधी किताब रह गई।
यानी डेढ़ बुक कर ली हमने, एक किताब को कंप्लीट की तो डेढ़ बुक, यानी उस किताब में कितने सबक थे, दस और ये हमने 16, देखिए 16 क्लासे थी और 16 ही चैप्टर पढ़ लिए, जबकि 15 क्लासे की है, 16वीं क्लास तो इम्तिहान की क्लास है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर 15 के अंदर हमने 16 चैप्टर कर लिए, तो अगली 15 क्लास में भी अगर हम 16 चैप्टर कर लेंगे और अगली जो फसल क्लास आएगी उसके अंदर हर बुक जो है वो 10-10 चैप्टर के ऊपर है, तो 20 चैप्टर है। 14 में किए हैं, 16 दो क्लासे बाकी है, ये था अब तक का, और ये है वो जो हम कल की तैयारी करेंगे, ये रहा ना कल वाला किताब खत्म, ये तो रहा कोर्स किताब हो गई, और जी वो जो आपके पास 50 जो दिए थे अली भाई ने वही रखेंगे या चेंज करना चाहते हैं? नहीं नहीं आप चेंज चलो उस पर 25 कर, कम कर दे चेंज ना, नहीं तो कम तो आएंगे, 50 थोड़ी आएंगे, 50 नहीं आएंगे, ये तो है, ये तो तय है कि 50 तो नहीं आएंगे, वो कह रहे 50 से कम कर दो, मैंने कहा 50 में से 15 ही आएंगे इंशाल्लाह, बस अब वो कौन से आएंगे वो अलग बात है, 50 में से 15 आएंगे, 15 से भी कम आएंगे, 50 में से 15। अब देखिए जो मैंने आपको जो और भी दिए मुस्तलाहात जो है, मेहनिया किसे कहते हैं, प्रोफेशनल जो है, और जो टर्म्स दिए आपको वो कितनी है, 60 है, वो भी 60 60 है ना, वो इतना नहीं होगा, ये अकाउंटिंग से तो आपको 60 तो वो है कह रहे हैं जी, हम कम करने की बात है। अच्छा जी, और आपके पास जो है वो सेंटेंसेस कितने हैं तकरीबन, कितने? अच्छा आज वो भी नहीं है ना, हाँ तो बुखार नहीं है, क्या कर लिया, काम तो कर लिया उन्होंने, और वो अभी इनका रह गया, उन्होंने नहीं दिया मुझे चीजें, तो बुखार आप लोगों को बनाकर वो दे देंगे मेरे ख्याल में अगली क्लास में दवाएंगे, तो उसको भेजा है ना, नहीं वैसे वो उन्होंने अलग से नहीं बनाया, प्रिंट आउट तो वो मैं कह तो दूंगा, बाकी उन्होंने भेज दिया मेरे ख्याल में अजलाल साहब ने सारी चीजें सारे सबक भेज दिए ना, सब आप कोई रह गया उसमें, नहीं रहा सब चीजें जी। अब मुझे ये बताएं कि आपका क्या प्रोग्राम है, तो मुझे पता तो चले ताकि हम बताएं आप लोग कौन सब कर रहे हैं, क्लासेस का करना चाह रहे हैं, 18 की बात करना चाह रहे हैं, मार्च में बिल्कुल रमजान नहीं है, नहीं आप बिल्कुल इसको ये नहीं करें, इसको ब्रेक लगाएंगे बिल्कुल जीरो का आ जाएंगे, चाहे